जब हमारा देश दासता की जंजीरों में बंधा हुआ था, घायल था, जब हमारी इच्छाओं का संचालन विदेशी शासक कर रहे थे और हमारी संपदा, हमारी दौलत को लूट लूट कर सात समंदर पार ले जा रहे थे, तब कितने ही वीर बलिदानियों ने उन विदेशी शक्तियों को, उन अत्याचारियों को ललकारा और अपने प्राणों की आहुति दी। परंतु फिर भी उनके नाम इतिहास के पन्नों से मिटाए जाने के यत्न हुए और उनकी यादों को भुला देने की कोशिश की गई। लेकिन आज की युवा पीढ़ी ने स्वतंत्र भारत का नया इतिहास लिखना शुरू किया है, जिसमें उन सच्चाइयों का वर्णन भी है जिन्हें स्वार्थी लोगों ने झूठ की परतों के नीचे छुपा रखा था। समय के निष्पक्ष हाथों ने उन सच्चाइयों को ढूंढ निकाला है, उन्हें प्रकाश में लाने के प्रयत्न होने लगे हैं। उस नए इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय का नाम है वीर सावरकर। चाहे कुछ भी कहें, मैंने अंतिम निर्णय ले लिया है। मैं हिंदुस्तान वापस जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो सावरकर? और अचानक तुम्हें ये ख्याल कहां से आया? मुझे लगता है तुमने बिना सोचे समझे ही ये फैसला कर लिया है। इसका परिणाम क्या होगा जानते हो? बंदी बना लेंगे, मुझे बेड़ियों में जकड़ देंगे, फांसी पर लटका देंगे। मगर आप तो जानते हैं मुझे इसका कोई डर नहीं। हम जानते हैं कि तुम्हें इसका कोई डर नहीं। हम तो ये भी जानते हैं कि तुम्हारा यह सपना है कि देश पर प्राण निछावर कर दो। लेकिन सावरकर, बलिदान का यह सही समय नहीं है। बलिदान समय नहीं देखता, वो तो समय के माथे पर अपना नाम अंकित करता है। परंतु तुम्हारा काम पेरिस में अभी खत्म कहां हुआ है? यहां का काम अब आप करेंगी मैडम कामा। आपके साथ लाला हरदयाल हैं, श्याम जी हैं। मेरी मानो सावरकर, अभी रुक जाओ। नहीं, अब मैं नहीं रुक पाऊंगा। लंदन के मेरे साथियों ने मुझे यहां भेज दिया क्योंकि मैं अस्वस्थ था, परंतु अब मैं ठीक हो चुका हूं। मैडम कामा, मैं आपका आभारी हूं। आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, परंतु अब मुझे वापस जाना ही चाहिए। ये देखिए, आज सुबह ही हिंदुस्तान से जो पत्र आया। क्या लिखा है इसमें? नासिक में जैक्सन मर्डर केस में मेरे कितने साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। गर्वे, देश पांडे, अनंत कान्हेरी, इन सबको अंग्रेज फांसी पर लटका देंगे। आप तो जानते ही हैं, इन सबको पिस्टल्स मैंने भेजी थी। मेरे भाई को अंडमान जेल भेज चुके हैं,
भाभी और पत्नी बेघर हो चुकी हैं, छोटा भाई भी जेल में है, ससुर की नौकरी छीन ली है, और क्या लिखा है सुनना चाहते हो? और क्या लिखा है? पुलिस के अत्याचारों से तंग आकर पिस्टल ले जाने वाला चतुर्भुज सरकारी गवाह बन गया है। कोरेगांव कर भी, अगर इस समय मैं वहां नहीं गया तो अभिनव भारत का सारा आंदोलन समाप्त हो जाएगा। तुम ठीक कहते हो, मगर इस वक्त तुम्हारे हिंदुस्तान जाने का मतलब है आत्महत्या करना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि हिंदुस्तान और इंग्लैंड दोनों जगह तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट निकल चुके हैं। हम लोगों ने तुम्हें जानबूझकर नहीं बताया, ये सोचा कि तुम जब स्वस्थ होकर ब्राइटन से आओगे तब बताएंगे। सावरकर, क्या सोचने लगे तुम? मदनलाल ढींगरा जब करजन वायली को मारने के लिए तैयार हो गया तो उसने मुझसे पूछा था बलिदान के लिए आदमी कब तैयार होता है, तो मैंने उसे कहा था जब वो दृढ़ निश्चय कर लेता है तभी, और मैं दृढ़ निश्चय कर चुका हूं। महिषासुर मर्दिनी, तेरे पावन चरणों की सौगंध खाकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने देश की स्वतंत्रता पुनः प्राप्त करूंगा और इसके लिए सशस्त्र क्रांति की पताका फहराऊंगा। यदि इसमें मैं सफल हुआ तो छत्रपति शिवाजी महाराज की भांति स्वराज स्थापित करूंगा और तेरे मस्तक पर स्वतंत्रता का अभिषेक करूंगा। माँ माँ मुझे शक्ति दो, माँ मुझे शक्ति दो। वंदे भारत, वंदे भारत। हम अंग्रेजों को भारतवर्ष का नाश नहीं करने देंगे। आज उन्होंने बंगाल का विभाजन किया है तो कल वो सारे देश के टुकड़े करेंगे। उनकी बनाई हुई सभी चीजों का बहिष्कार करें। ये केवल विदेशी कपड़ों की होली नहीं है, बल्कि हम विदेशी को ही जला रहे हैं। सभी विदेशी वस्तुओं को इस हवन कुंड में डाल दो। वंदे भारत, वंदे भारत। विदेशी कपड़ों की होली जलाकर तुमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वालों के लिए एक नई दिशा की ओर संकेत दिया है। अगर हम उस देश में बनाया कपड़ा नहीं खरीदेंगे तो उनका हम पर शासन करना व्यर्थ हो जाएगा, वो तो घबरा जाएंगे। ये सब आपकी प्रेरणा का फल है। केसरी पत्रिका में आपके लेख पढ़कर ही हम इस योग्य हुए हैं। विनायक, अभिनव भारत के अंतर्गत पुणे के लोगों को जो तुमने इकट्ठा किया है ये अद्भुत कार्य है। अब मैं चाहता हूं कि शत्रु के गढ़ में जाकर मैं ये काम करूं। अच्छा, इसका अर्थ है तुम लंदन जाना चाहते हो? हाँ, हम लोग इसी संबंध में आपसे बात करने के लिए आए हैं। लेकिन मैं एक दुविधा में हूं, अगर मैं लंदन चला गया तो यहां अभिनव भारत का संगठन बिखर जाएगा। नहीं, तुम्हारे बड़े भाई ऐसा कभी नहीं होने देंगे। मुझे आपका पद प्रदर्शन मिला तो मैं सब करूंगा। मैं भी चाहता हूं कि तात्या लंदन जाए और बैरिस्टर बनकर लौटें। हमने श्यामजी वर्मा का विज्ञापन पढ़ा है। वो सच्चे देशभक्त हैं। श्यामजी वर्मा लंदन में अत्यंत प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। मैं तुम्हें उनके नाम पत्र दूंगा, तुम्हारा लंदन में रहने का सारा प्रबंध वही करेंगे। इंडिया हाउस नाम की जगह में उन्होंने भारतीय विद्यार्थियों के रहने की पूरी व्यवस्था की है। विनायक, तुम लंदन जाने की तैयारी करो। जी। भाऊजी, जिनके राज में सूरज नहीं डूबता उन्हीं के गढ़ में जाकर उन्हीं को ललकारोगे? मुझे तो भय लग रहा है। तात्या की डील डॉल देखकर उनके संकल्पों को छोटा मत समझो। भाभी, सभी युवक इनको अपना नेता मानते हैं।
मैंने तो बस अपने मन की बात कह दी। भाभी तुम ये मत समझना कि मैं किसी लड़ाई पर जा रहा हूं। तुम तो इस बात की कल्पना करो कि जब मैं बैरिस्टर बनकर लौटूंगा तब कैसा लगूंगा, सूट बूट टाइप पहने, कितना रौब होगा मेरा, और फिर भाव तो आपका ही बढ़ेगा ना। इसका जितना भाव बढ़ेगा मेरे लिए उतनी कठिनाई होगी। तात्या, तिलक जी ने तुम्हें दोपहर को दोबारा बुलाया था, कुछ कहा उन्होंने? मुझे समझा रहे थे कि जाने से पहले ऐसा कोई काम ना करना कि सरकार तुम्हें जाने से रोक दे। भाऊजी का किसी को क्या पता कब क्या कर जाए। लेकिन अब क्या होगा, कल तो यहां से निकल ही जाना है। मैं समझता हूं कि सरकार मेरे जाने से खुश है, वो समझती होगी कि मुझे लंदन जाकर सद्बुद्धि आ जाएगी। क्या पता आ ही जाए। देखा तात्या, सब आशा करते हैं कि तुम्हें सद्बुद्धि आए। जब मैं वापस आऊंगा तो सभी को देखकर बहुत निराशा होगी कि मुझ में कोई अंतर नहीं आया है। तुम जैसे हो वैसे ही रहना भाऊजी। जब लोग तुम्हारे बारे में बातें करते हैं तो हम सबका सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। तुम कुलदीपक हो, तुम्हारा प्रकाश समुंदर पार से भी इस घर में आएगा। मेरा जी चाह रहा है मैं प्रभाकर को अपने साथ लेकर जाऊं। कितना अच्छा अगर ले जाओ। फिर तुम क्या करोगी? मैं भी इसके पीछे पीछे आ जाऊंगी, अकेली थोड़ी रहूंगी। चतुर हो, साथ जाने का अच्छा बहाना है। तुम्हारा मन सचमुच में साथ जाने को करता है? मन का क्या है, वो तो कुछ भी चाहता है। प्रभाकर को भाभी के पास छोड़ दो, मेरे साथ चल पड़ो। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका अर्थ है तुम मुझसे ज्यादा प्रभाकर को चाहती हो। तुम बड़े हो, अपने आप को संभाल सकते हो, लेकिन ये तो मेरे बिना नहीं रह सकता ना। तुम्हारा हृदय सचमुच में बहुत विशाल है। मैं तुम्हें कुछ देकर जाना चाहता हूं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या देकर जाऊं। ये है ना, और क्या देना चाहते हो? सच कहा तुमने, प्रभाकर के रूप में मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर जा रहा हूं। Vinayak Damodar Savarkar. He's coming here to become a barrister. Sir, there are so many Indian boys studying here. But he's not like them. Middle class family se hai. बाल गंगाधर तिलक की रिकमेंडेशन पर उसे श्याम जी कृष्ण वर्मा की और उसे स्कॉलरशिप मिला है। श्याम जी कृष्ण वर्मा, वो तो अंग्रेजों के खिलाफ है। He writes against us. तब तो अच्छा हुआ हमको सावरकर के बारे में पता चला। इस लेटर के साथ विनायक दामोदर सावरकर के बारे में वो रिपोर्ट भी है जो पुणे के पुलिस कमिश्नर ने बॉम्बे के गवर्नर को भेजी थी। इसमें लिखा है सावरकर नौजवानों को बगावत करने के लिए इकट्ठा करता रहा है, उन्हें भड़काता रहा है और पेपर्स में ऐसे आर्टिकल्स लिखता रहा है जिसको पढ़कर हिंदुस्तानी लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत पैदा हुई है। He is a firebrand. Then he has to be chased closely, sir. Yes, ऐसा डेंजरस इंजन अगर आम लोगों के बीच
यहां अपना प्रोपेगेंडा करेगा तो इंडिया में हमारे लिए डिफिकल्टी पैदा होगी। स्कॉटलैंड यार्ड को खबर कर दो एटा, उसके हर मूवमेंट को वॉच करो। राइट सर। क्या देख रहे हो? अंग्रेजों की यह पार्लियामेंट कितनी भव्य है। हम हिंदुस्तानी क्रांतिकारी इसी से लड़ रहे हैं। इस समय तुम अपने असली दुश्मन के सामने खड़े हो। इस भवन को बने हुए 700 साल बीत गए। यही तो इंग्लैंड के लोगों की शक्ति का प्रतीक है। वर्मा जी, मैं सोच रहा हूं, जब यहां के लोग अपने स्वतंत्रता के अधिकार पर इतना गर्व करते हैं तो फिर उन्होंने हमें गुलाम बना के क्यों रखा हुआ है? यही तो आयरनी है। भयंकर विरोधाभास है। तुम्हें यहां लाने का और भी एक कारण है। क्या? तुम्हारे यहां आने के बाद मुझे लगता है कि इंडिया हाउस के आसपास और अंदर अंग्रेजी पुलिस की निगरानी कुछ बढ़ गई है। इसलिए मैं चाहता था कि कहीं खुले में तुमसे बात करूं। वैसे भी कॉलेज के एडमिशन में अभी थोड़ी देर तो लगेगी। मैं जानता हूं, मगर मैं अपना वास्तविक काम अभी से शुरू कर देना चाहता हूं। मेरे पास कुछ हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स के पते हैं। मैं बहुत जल्द जान जाऊंगा कि ये लड़के अधिकतर कहां उठते बैठते हैं और कहां आपस में मिलते जुलते हैं। तुम्हारे इस काम में मेरे अलावा और भी कई लोग तुम्हारी मदद करेंगे। बापट है, सरदार सिंह राणा, मादाम कामा। मैं तो ये भी सोच रहा हूं कि हिंदुस्तानी विद्यार्थियों के अतिरिक्त आयरलैंड, फ्रांस, रूस, मिस्र और तुर्की के क्रांतिकारियों से भी संपर्क स्थापित किया जाए। इससे हमारे आंदोलन को सारे संसार का समर्थन मिलेगा। मैं तो हथियार बनाने के साधन भी। क्या बात है? मुझे लगता है ये लोग हमारी बातें सुन रहे हैं। हम हिंदी बोल रहे हैं और वो अंग्रेज हैं। अगर हम अंग्रेजी बोल सकते हैं तो ये लोग हिंदी समझ भी सकते हैं। खैर, हमारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन पहले इस महानगर को जानो, पहचानो, क्योंकि यही तुम्हारा कुरुक्षेत्र है। जानना ही पड़ेगा, नहीं तो चक्रव्यूह कैसे रचा जाएगा। Here it is. Thank you. Hello? Yes? I want to meet Mr. Vinayak Savarkar. Oh yes, please come in. First floor, towards left, first room. Thank you. You're welcome. Yes. Come in. Hello, Savarkar. Hello. यार, पढ़ाई तो अभी शुरू भी नहीं हुई, तुम ये क्या लिख रहे हो? तुम्हारा आना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। अगर तुम जहाज में मेरे साथ नहीं होते तो मैं रास्ते से ही वापस चला जाता। तुम्हारे कारण यहाँ लंदन में मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगा। ये क्या तुम कविता लिख रहे थे? नहीं, मैंने सोचा कि जब तक मैं ग्रेजिन जाना शुरू नहीं करता, मैजिनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद कर लेता हूँ। मैजिनी इटली का बहुत बड़ा क्रांतिकारी था। उसकी इस पुस्तक ने मुझे बड़ी प्रेरणा दी है। इस पुस्तक को पढ़कर पता चला क्रांति किसे कहते हैं, क्रांति क्यों आवश्यक है, क्रांतिकारी कैसे बना जाता है। तुम अनुवाद क्यों कर रहे हो? भारत भेजूंगा अपने अभिनव भारत के युवकों को। सर, आपका गेस्ट आया है। सर, टी कॉफी? क्या लोगे यार नाम? हम चाय कॉफी पीने वाले नहीं, लस्सी पीते हैं, और वो तो यहां होगी नहीं। कुछ नहीं चाहिए, थैंक्स।
एटा। यस सर। प्लीज शट द डोर। यस सर। तुम उसे घूर क्यों रहे हो? कुछ नहीं, मेरी तो आदत ही ऐसी है। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मुझे एक रेस्टोरेंट का पता चला है जहां बहुत से हिंदुस्तानी लड़के आकर बैठते हैं। तुम चाहो तो वहां चलें। चलो अभी चलते हैं। हम उन हिंदुस्तानी लड़कों को यहां इंडिया हाउस बुलाएंगे। अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। चलो चलो उधर बैठते हैं। Hey you! Indians that side, go there. Why should we go there? This side English, Indians that side. No, sorry, मैं यहीं बैठूंगा। तुम इधर बैठेगा तो I will throw you out. अरे इससे झगड़ा करने में क्या फायदा? चलो तुम उधर आकर हमारे पास बैठो, आओ। आओ? नहीं, मैं वहां नहीं बैठूंगा। मैं इस रेस्टोरेंट में बैठूंगा ही नहीं। चलो हरनाम, ये अपमान हम नहीं सहेंगे। लगता है कोई नया है, मगर दम है उसमें। आओ उससे मिलते हैं। चलो। अंग्रेज के 25 साले पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। मैं तो उसके दांत तोड़ देता। अच्छा किया नहीं तोड़े, वो तुम्हारे भी तोड़ देता। अरे भाई आखिर इस झगड़े का क्या फायदा? तुम्हें ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं हैरान हूं इतना अपमान, इतनी बेइज्जती सहकर भी तुम वहां बैठे हो। ये सिर्फ हमारे देश का ही अपमान नहीं है बल्कि सारी मानवता का अपमान है। ये लोग हमें कुत्तों से भी गया गुजरा समझते हैं। अगर तुम अपने आप को इतना ही गैरत वाला समझते हो तो यहां आए क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये लोग हमारे देश के मालिक हैं? ये इसलिए हमारे देश के मालिक हैं कि तुम्हें ऐसी जगहों पर अलग कोने में बैठने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। तुम्हारा स्वाभिमान, तुम्हारा आत्मगौरव मर चुका है। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। अब इसका कोई इलाज नहीं है। हम बेगैरत हैं, बेशर्म हैं, इसीलिए तो ये लोग हम पर राज कर रहे हैं। अगर चंद हजार अंग्रेज हिंदुस्तान जाकर 30 करोड़ हिंदुस्तानियों पर राज कर सकते हैं तो क्या 700-800 हिंदुस्तानी लड़के जो यहां यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं अपने आत्मसम्मान के साथ जी भी नहीं सकते? उन्हें ऐसी जगहों पर अलग कोने में बिठा दिया जाता है, ऐसा तिरस्कार वो चुप रहकर कैसे सहन करते हैं? वास्तव में जब हमारा स्वाभिमान सो चुका था तब हमें गुलाम बनाया गया था, और क्योंकि अब हम सदियों से गुलाम हैं तो अपने स्वाभिमान को जगाने का हमें साहस ही नहीं होता। चलो हरनाम, अगर मैं कुछ देर और यहां खड़ा रहा तो अपने ही भीतर की आग से जल जाऊंगा। सुनो दोस्त, तुम्हारा ये अंदाज हमें बहुत पसंद आया। जाने से पहले अपना नाम नहीं बताओगे? मैं विनायक दामोदर सावरकर, ये हरनाम है। हेलो। और तुम? मैं मदनलाल, मदनलाल ढिंगरा। हेलो। मैं अय्यर, वीवीएस अय्यर। मैं WB फड़के। सुख सागर दत्त जी। मैं होतीलाल वर्मा। मैं पांडुरंग बापट हूं। मैं निरंजन पाल। आसिफ अली। MPT आचार्य। मैं हूं चतुर्भुज। मैं सिकंदर हयात। ज्ञानचंद वर्मा। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। मैं हेमचंद दास। मैं कोरेगांवकर। नमस्ते, मैं हूं श्यामजी कृष्ण वर्मा। आप हैं मदाम भिकाजी रुस्तम कामा, आप हैं लाला हरदयाल, और आप हैं सरदार सिंह राणा। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि फ्री इंडिया सोसाइटी के सदस्यों की संख्या बढ़ रही है। अब विनायक दामोदर सावरकर, जो भारतीय युवकों की आकांक्षाओं के प्रतीक हैं, आपके सामने अपने विचार प्रकट करेंगे। विनायक। मित्रों, मेजनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद मैंने पूरा कर लिया है। उसकी प्रस्तावना जो मैंने लिखी है उसके कुछ अंश मैं आपको सुनाऊंगा।
मैजनी ने लिखा है, नहीं नहीं, राष्ट्र कभी नहीं मरता। परमात्मा ने मानव को स्वतंत्र रहने के लिए ही पैदा किया है, गुलाम बनकर रहने के लिए नहीं। यह तथ्य सुनिश्चित है कि जब दृढ़ संकल्प कर लोगे तभी तुम्हारा देश स्वतंत्र हो जाएगा। इससे अधिक उत्साहवर्धक राष्ट्र मंत्र और क्या हो सकता है? जब एक बार सोच लिया कि मैं स्वतंत्रता, स्वदेश और मानवता की पूजा करता रहूंगा, तो फिर मुझे चाहिए कि मैं उन आदर्शों के लिए लड़ता रहूं, निरंतर लड़ता रहूं। जहां स्वाधीनता नहीं, वो व्यक्ति हो या परिवार, स्वदेश हो या मनुष्य जाति, वहां झूठ, कायरता और अन्याय राज्य करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति की उदात्त कर्तव्य निष्ठा से फांसी के खंभे स्वर्ग की सीढ़ियां बन जाते हैं। स्वतंत्रता देवी के पांव की आहट अब बहुत नजदीक से सुनाई देने लगी है। बाबा, विनायक सावरकर ने यह जो प्रस्तावना लिखी है, ये कितने लोगों ने कंठस्थ कर ली है? हमारे जिले में तो हजारों युवकों ने। अब सरकार इसे जब्त भी कर ले तो कोई बात नहीं। इस पुस्तक से प्रेरणा तो हमने भी ली थी, परंतु विनायक सावरकर की इस प्रस्तावना ने इसे बहुत उपयोगी बना दिया है। बाबा जी, इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए पैसे कहां से आए? लोगों से एडवांस मिले पैसे, और प्रकाशित होते ही पुस्तकें सबको पहुंचा दी गईं। पैसे पूरे हो गए थे क्या? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर अब भी उधार बाकी है तो मैं दे दूं। नहीं नहीं, पैसे पूरे कर लिए गए थे। मगर कैसे? मेरी पत्नी और विनायक की पत्नी ने अपनी चूड़ियां बेच दी। उन देवियों का त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा बाबा, नहीं जाएगा। हाँ, बापट, बापट कहां जा रहे हो? मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा, इंडिया हाउस आकर। इस समय कहां जा रहे हो? क्या तुम्हें पता है, हिंदुस्तान में अंग्रेज सरकार ने लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर लिया, बिना कोई मुकदमा चलाए, बिना किसी अपराध साबित किए उन्हें मांडले जेल भेज दिया। पार्लियामेंट में कहा जा रहा है कि लाला जी को गोली से उड़ा देना चाहिए। तुम इस समय कहां जा रहे हो? तुम्हें पता है, यहां पुलिस की जातियों से तंग आकर श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा भी पेरिस जाने की सोच रहे हैं। अब वो अपना पेपर वहीं से निकालेंगे। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, तुम कुछ और कहीं जा रहे हो? तुम्हारी पुस्तक भी हिंदुस्तान में जब्त कर ली गई है सावरकर। मैं जानता हूँ, फिर भी तुम चुप बैठे हो, तुम्हारा खून नहीं खोलता। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहते हो। इधर आओ। मैं पेरिस से बम लेकर आया हूं, मैं अत्याचारी अंग्रेजों की पार्लियामेंट को उड़ा देना चाहता हूं। मैं जानता हूं तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन कुछ भी करने से पहले हमें आपस में परामर्श कर लेना चाहिए। आओ मेरे साथ, मिलकर योजना बनाते हैं। जल्दबाजी में कोई भी काम बिगड़ सकता है। आओ मेरे साथ, चलो। Good afternoon, sir. Mr. Eta, मैंने तो आज तुम्हें नहीं बुलाया था। Yes, I know it, but sir, actually, sir, आज मुझे कुछ दूसरा काम नहीं था, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना इधर आकर अपना ड्यूटी करूं। प्लीज, मैं जब तक तुम्हें ना बुलाऊं तुम यहां मत आया करो। All right, sir. I'm sorry. You may go. Sorry, sir. जासूस है, छिप छिप कर बातें सुनता है। चलो। ये बम तुम कहां से लाए? पेरिस से। बहुत कठिनाई के बाद मैंने उस रूसी क्रांतिकारी से प्राप्त किया है।
मैं अपनी जान दे दूंगा मगर इन अत्याचारियों को चेतावनी दे जाऊंगा। एक चेतावनी से कुछ नहीं होगा, अगर तुम ये काम अकेले करोगे तो अपनी जान भी गवा बैठोगे। कुछ ऐसा करना चाहिए कि एक साथ अनेक स्थानों पर ये बम फूटे और हमारा एक भी क्रांतिकारी उनके हाथ ना आए। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, अगर तुम उस रूसी क्रांतिकारी से बम बनाने की विधि सीख लो तो हम खुद भी बम बना सकते हैं। हिंदुस्तान भी भेजेंगे, वहां पर हमारे जितने साथी हैं जगह जगह पर इन बमों को फोड़ेंगे। तुम स्वयं भी हिंदुस्तान जाकर यह काम कर सकते हो। शायद तुम ठीक कह रहे हो। क्या वो रूसी क्रांतिकारी तुम्हें बम बनाने की विधि सिखाएगा? संभव तो है। तुम आज ही चले जाओ, इस बम को किसी सुरक्षित स्थान पर छिपा दो। जब तक तुम बम बनाने की विधि सीखकर लौटोगे हम जर्मनी में एक दूसरा धमाका कर चुके होंगे। धमाका? कैसे? स्टुटगार्ट में दुनिया भर के सोशलिस्टों की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां पर सभी देशों के झंडे लहराए जाएंगे। मैडम कामा स्वतंत्र भारत का ध्वज वहां लहराएंगी। देखो सावरकर, तुम्हारी कल्पना साकार हुई। यही निर्णय हुआ था ना कि भारत की सभी प्रांतों और धर्मों की झलक इसमें नजर आनी चाहिए। सो देखो, 8 प्रांतों के प्रतीक 8 कमल पुष्प, ये सूर्य, ये चांद और बीच में हम सबका वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जब ये ध्वज स्टुटगार्ट की कॉन्फ्रेंस में लहराएगा तो साम्राज्यवाद का दिल दहल उठेगा और हमें गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों के होश उड़ जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। What is all this nonsense? Very annoying. This is the limit. I'm simply disgusted. ऐसा कोई कंट्री नहीं, ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं, क्या ये रिपोर्ट नहीं छपी? I tell you, this madam has dodged us. No, no, sir. This is all Savarkar's plan. वो देखने में छोटा है, सीधा साधा है, but he's a firebrand, I tell you, sir. वो हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहता है, अपना कमरा में किसी को घुसने नहीं देता। And sir, उसने मुझे भी इसलिए निकाला because मैंने उसका कमरा के अंदर घुसने का ट्राई किया। Don't worry. Now this fellow, Kirtikar, अब ये तुम्हारी जगह वहां काम करेगा। इस पर किसी को शक नहीं होगा। बॉम्बे का रहने वाला है, मराठी बोलता है और सेवरल अदर लैंग्वेजेस एज वेल। यस सर। सर, सावरकर अब एक न्यू बुक लिख रहा है 1857 के गदर पर। वो उस बगावत को आजादी का लड़ाई कहता है। व्हाट? आजादी की लड़ाई? यस सर। एंड सर, उस म्यूटनी का 51st एनिवर्सरी पर वो लोग एक बहुत बड़ा फंक्शन करने वाला है। सर, वी विल नॉट अलाउ देम। सर, वो बुक कॉन्फिस्केट की जा सकती है जिसमें उसने म्यूटनी को आजादी का लड़ाई कहा है। हमने उसकी पहली किताब भी जब्त की थी। कृतिकर। यस सर। तुम वहां इंडिया हाउस में जाते ही पहला काम ये करो कि उस बुक के बारे में रिपोर्ट दो, उसके कुछ चैप्टर कॉपी करके लाओ। ऑलराइट सर। यह है वो बम मैनुअल। बड़ी मुश्किल से मैंने उस रूसी क्रांतिकारी को इस बात पर राजी किया था कि मुझे बम बनाने की सबसे आसान विधि बताए। बापट, तुमने बहुत बड़ा काम करके दिखाया। उसी दिन वहां के पेपर्स में मैडम कामा के झंडा फहराने का फोटो भी छपा था। बहुत प्रभावित हुआ वो आदमी मुझसे। यह सब एक ही काम की कड़ियां है। बापट, तुम इस बम मैनुअल को लेकर फौरन हिंदुस्तान चले जाओ। मैं भी यही सोच रहा हूं। वहां इसकी कम से कम 100 प्रतियां बनाकर सभी प्रांतों और शहरों में पहुंचा दो। और कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि सब स्थानों पर एक ही दिन एक ही समय पर यह बम विस्फोट हो, अंग्रेज सरकार संभलने ना पाए, उसके साम्राज्य की जड़ हिल जाए, हमें स्वाधीन होना है। तो मैं अभी जाने की तैयारी करता हूं। नमस्ते। तुम जाओ बापट, वहां पहुंचते ही पत्र लिखना। ठीक है। यहां किसे मिलना है? विनायक दामोदर सावरकर से।
मैं ही सावरकर हूं, कहिए। नमस्ते, मेरा नाम कीर्तिकर है। मैं यहाँ दांतों की डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करने आया हूँ। आपके बारे में बहुत सुना है, बहुत पढ़ा भी है। मैं आपके साथ मिलकर अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं यहाँ रह सकता हूँ? कॉलेज में तुम्हारा नाम रजिस्टर्ड हो गया? जी हाँ। ये देखिए, पढ़ाई जल्दी शुरू होने वाली है। यहाँ कहाँ रहते हो? एक परिचित के पास, किंतु और नहीं रह सकता वहां। मुझे पहले श्यामजी कृष्ण वर्मा से पूछना पड़ेगा, कल इसी समय आना। ठीक है, नमस्ते। नमस्कार। हे हुतात्माओं, हे अमर शहीदों, हम आपकी उस ललकार को और जीवंत बनाने, आपके ध्वज को और ऊपर उठाने और आपके ध्येय की मशाल को निरंतर उद्दीप्त करने का संकल्प करते हैं। जब तक हम अपने आप को स्वाधीन नहीं कर लेते, स्वतंत्रता की यह लड़ाई, जिसका आरंभ 10 मई 1857 को हुआ और आज 10 मई 1908 को भी समाप्त नहीं हुई, और यह तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक कि इस महाक्रांति का संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जब तक भोर की पहली किरण संपूर्ण स्वाधीनता के स्वप्न को साकार ना कर दे, जब तक भारत माता के भाल पर उन मणियों का मुकुट सुशोभित ना हो जो विजय की ज्योति और हुतात्माओं की रक्ति मापा से जगमगा रहा हो। तो तुमने सावरकर की पुस्तक के पन्ने चुराए थे, हैं? तुम्हें यहाँ किसने भेजा? करजन वाली ने। क्यों? 1857 के बारे में जो आपने किताब लिखी है, वो उसके बारे में जानकारी चाहते हैं। जो पन्ने तुमने पहले चुराए, वो उनके पास पहुंच चुके हैं? हाँ। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। अब तुम और पन्ने तो चुरा नहीं पाओगे। नहीं, मैं उन्हें बता दूंगा कि चोरी पकड़ी गई। तुम हमसे छूट पाओगे तो कहोगे ना। देशद्रोह का दंड जानते हो? सावरकर जी, मुझ पर दया करो। मेरा पूरा परिवार मुझ पर आश्रित है। अगर हम पकड़े गए तो अंग्रेज छोड़ेंगे हमें? तुम अंग्रेज नहीं हो, है? मुझ पर दया करो। अच्छा सुनो कीर्तिकर, हम तुम्हें देशभक्त बनने का एक अवसर देते हैं, हम तुम्हें छोड़ देते हैं, परंतु एक शर्त पर। तुम इंडिया ऑफिस में हमारी ओर से जासूसी करोगे। अगर मैं पकड़ा गया तो? हम भी तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। देखो, तुम्हें यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। तुम हिंदुस्तानी हो, जब हम अपने देश के लिए प्राणों की बाजी लगाए बैठे हैं तो क्या तुम अपना कर्तव्य नहीं निभाना चाहोगे? मजबूरी में ही सही। मुझे तुम्हारी हर बात स्वीकार है। तुम्हें शपथ लेनी होगी अग्नि की लपट पर हाथ रखकर। लूंगा। फिर तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। जल्द से जल्द अपनी पुस्तक भारत भेज दो, ताकि जब्ती के ऑर्डर निकलने से पहले वो छप जाएं। परंतु अभी अंतिम पृष्ठ लिखने बाकी हैं। अच्छा तुम ऐसा करो, मैं कुछ नकली पन्ने तुम्हें देता हूं। करजन वाइली को भी तसल्ली हो जाएगी कि तुम अपना काम कर रहे हो, और तब तक मैं भी अपने अंतिम पृष्ठ लिख लूंगा। जी। और याद रखना, अगर तुमने अपना वचन भंग किया तो? ऐसा नहीं होगा। Thank you.
कौन है? मैं हूँ चतुर्भुज। घोड़ा गाड़ी आ गई है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। हमारा बक्सा भी तैयार है, दरवाजा ठीक से बंद कर दो। सुनो, रास्ते में बहुत ही गरीब, भले मानस बंद कर रहना, चुपचाप एक कोने में पड़े रहना, बक्सा थोड़ी दूर रखना, परंतु हर समय उस पर निगाह रखना। किसी को शक ना होने पाए कि तुम्हारी निगाह इस बक्से पर है। नासिक में इसे बाबा राव को देना, केवल उन्हें और किसी को नहीं, समझे? अगर तुम इस काम को करने में सफल हो गए तो समझो तुमने भारत माता को स्वतंत्र कराने की जो शपथ ली है उसे पूरा कर लिया। मैं प्राण देकर भी इस काम को पूरा करूंगा। मुझे तुमसे यही आशा है, उठा लो से। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ले जी, पुस्तक की पांडुलिपि मुझे दे दीजिए, जल्दी करिए, और जितने पन्ने छपे हैं उन्हें जला दीजिए। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, किसी भी समय पहुंच जाएगी। लीजिए, आप इस पिछले रास्ते से बाहर निकल जाइए। चलिए। सुनो, ये छपे हुए पन्ने मुझे दे दो जी। और ये सारा टाइप डिसमेंटल कर दो, जल्दी करो। जी। बाबा राव, हाँ, आप निकलिए, जल्दी निकल जाइए। लिमे जी, देखिएगा कोई चीज उनके हाथ ना लगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बाबा सावरकर कहाँ है? सावरकर? कौन सावरकर? तुम विनायक सावरकर की कोई पुस्तक छाप रहे हो? नहीं तो, मैं तो ऐसी कोई पुस्तक नहीं छाप रहा हूं। तुम झूठ बोल रहे हो, हमें तलाशी लेनी पड़ेगी। हाँ, लीजिए, आइए। चलो, आइए इंस्पेक्टर साहब, ले लीजिए। तुम देखो इधर, क्या छाप रहे हो? दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी किताब को छपने से पहले ही बैन कर दिया गया हो। 1857 का संपूर्ण सत्य था उसमें, अंग्रेज कैसे साइन करते? हरनाम, तुम बहुत चुपचाप हो, क्या बात है? एक बुरी खबर है। क्या खबर है? सावरकर के इकलौते बेटे प्रभाकर की डेथ हो गई। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? सावरकर है कहां? कोई एक घंटा पहले उसे अपनी भाभी की चिट्ठी मिली तो एकदम चुप हो गया, मेरे बहुत कहने पर मुझे बताया और फिर बाहर चला गया। सावरकर, तुम्हारे बेटे के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। यह भी लिखा है चिट्ठी में कि बाबा राव को पुलिस ने पकड़ लिया। किस अपराध में पकड़ा उन्हें? उन्होंने देश प्रेम की कविताओं की पुस्तक छपवाई। यह क्या अपराध हुआ? देश प्रेम ही सबसे बड़ा अपराध है। आई विल टीच देम अ लेसन। सावरकर, सावरकर, मुझे कर्जन वाली से पता चला है कि बाबा राव सावरकर पर अत्याचार किए जा रहे हैं। उनके घर की तलाशी में बम मैनुअल मिले हैं।
पिस्टल होने का भी उन्हें शक है। उनका विश्वास है कि बाबा राव को कष्ट देके उन्हें सब बातों का पता चल सकता है। वो मर जाएंगे मगर कुछ बताएंगे नहीं। देश हित के लिए जिन वंशों का नाश हो जाता है वे अमर हो जाते हैं। सावरकर, आदमी बलिदान के लिए कब तैयार होता है? जब वो अपने विवेक से प्रेरित होकर दृढ़ निश्चय कर लेता है तभी। करजन वाइली, तू हमारी आजादी के रास्ते का पत्थर है। तेरे षड्यंत्रों के कारण हमारे कितने देशभक्तों के प्राण चले गए, कितने परिवारों का नाश हो गया। तू अत्याचारी है, तुझे जीने का कोई हक नहीं, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। सारा लंदन ढींगरा की गोलियों से कांप उठा। अंग्रेजी साम्राज्य की बुनियादें हिल गईं। हमारा उद्देश्य भी तो यही था। ढींगरा ने देश हित के लिए सबसे बड़ा बलिदान दे दिया। एक पेपर के स्पेशल एडिशन में लिखा है, हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेजों की धरती पर युद्ध आरंभ कर दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं, हम लोग इसीलिए यहां आए हैं। करजन वाइली अत्याचारी था, हमारे रास्ते का रोड़ा था। विपिन चंद्र जी के पास कौन बैठा है? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और खापर्डे, वो लोग कह रहे हैं कि सावरकर जब तक यहां है ये गतिविधियां रुक नहीं सकती। ठीक कहा उन्होंने। परसों इन लोगों ने कैक्सटन हॉल में एक आम सभा बुलाई। वहां पर इन लोगों के अलावा भावनगरी, आगा खां और कूच बिहार के राजकुमार सम्मिलित होंगे। वो लोग ढींगरा के विरुद्ध प्रस्ताव पास करेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
मदनलाल ढिंगरा ने जो शर्मनाक काम किया है उससे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की बदनामी हुई है। हमें उसका बेहद अफसोस है। यह सभा एक राय से सर्वसम्मति से उसकी निंदा का प्रस्ताव पास करती है। मैं इसका विरोध करता हूं। यह विरोध करने वाला कौन है? मैं हूं। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास नहीं हो सकता। तुम्हारा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास नहीं हो सकता। मैं ढींगरा का अपमान नहीं होने दूंगा। आगा खान साहब, सावरकर को इस प्रकार मारना बहुत बुरी बात हुई। सॉरी, मैं यहां नहीं रह सकता। अब मैं भी यहां नहीं बैठूंगा। तुम्हारे दर्शन करने आया हूं मदन। मुझे तुम पर गर्व है सावरकर। तुम्हें मेरी आंखों में डर की परछाई तो नहीं दिखाई दे रही? बिल्कुल नहीं। मुझे तुम्हारे चेहरे पर योगेश्वर कृष्ण का तेज दिखाई दे रहा है। तुमने गीता के स्थित प्रज्ञ को साकार कर दिया मदन। सावरकर, मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 17 अगस्त की सुबह 9 बजे जब ये लोग मुझे फांसी के रस्से तक ले जाएंगे तो उस वक्त भी मैं इसी तरह मुस्कुरा रहा हूंगा। का जो अनादर जो अपमान अंग्रेज कर रहे हैं वो वास्तव में परमात्मा का अपमान है। मैं मानता हूं देश की सेवा प्रभु राम और कृष्ण की सेवा है। मेरे पास ना तो धन है ना तो योग्यता। ऐसा अयोग्य पुत्र माता के पावन चरणों में अपने रक्त के अतिरिक्त और क्या चढ़ा सकता है? हिंदू होने के नाते मेरा यह मत है कि आत्मा अमर है। मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं फिर से मां की गोद में जन्म लूं और भारत के स्वतंत्र होने तक मैं इसी उद्देश्य से बार बार जन्म लूं और बार बार मौत को गले लगाऊं।
इंस्पेक्टर साहब ये ताला लगाकर सील कर दो। ठीक है। ये कैसा अत्याचार है? बाबा राव को तो काला पानी भेज दिया और स्त्रियों को घर से बाहर निकाल दिया। तात के यहाँ होते तो मजा चखा देते, आग लगा देते आग। आंग्ल भूमि दे
मल मलून बसनी सी मज विवासना पे जरी आंग्ल भूमि भय भीता अबलान माझी ही माता कति नहे अगस्त से आता सो आचमनी एक पली तुझ काला हिंदुस्तान और इंग्लैंड दोनों जगह तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट निकल चुके हैं। बलिदान समय नहीं देखता, वो तो समय के माथे पर अपना नाम अंकित करता है। Under arrest. That's him. अय्यर, दाढ़ी में तो तुम किसी ऋषि के समान लगते हो। तुम्हारी आंख में आंसू, ये अंग्रेज लोग देखेंगे तो हमें कायर कहेंगे। सावरकर, तुम्हें छुड़ाने की दोनों कोशिशें नाकाम हो गईं। डेविड गार्डनेट ने भी पूरी तरह से कोशिश की, मगर थैंक यू डेविड। गाय अल्ड्रेट को भी मेरा थैंक्स देना, वो भी तुम्हारी तरह अंग्रेज है, मगर हमारी आजादी के लिए इसी जेल में सजा भुगत रहा है। These are the collars you wanted, and they are your size. Thank you. But they must be measuring my neck. वो मेरे गले का साइज जान जाएंगे। Time is over. सावरकर, ओल्ड बेली कोर्ट ने तुम्हारी अपील नामंजूर कर दी है और मुकदमा हिंदुस्तान में शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया है। अच्छा, तो फिर हम फ्रांस के दक्षिणी तट पर मिलेंगे। याद रखना, दक्षिणी तट पर। टाइम इज ओवर। क्या सावरकर ने ऐसा कहा? हाँ, उसने कहा कि फ्रांस के दक्षिणी किनारे पर मिलेंगे। उसे मालूम है जहाज मासे में रुकता है, वो एक जगह है जहां वो अंग्रेजों की कैद से निकल सकता है। हमें वहां जल्दी ही जाना चाहिए, हो सकता है उसे हमारी मदद की जरूरत पड़े। चलो अभी निकलते हैं। चलिए, मैं भी चलती हूँ। चलिए।
अगर मैं भाग निकला तो सारे यूरोप के लोग दंग रह जाएंगे, ब्रिटिश सरकार को धिक्कारेंगे सब, भारत की प्रशंसा करेंगे, क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिलेगी। मुझे ये रिस्क उठाना ही चाहिए, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। टॉयलेट टेक हिम, कम ऑन। Open the bloody door! Hurry up, open the door! I think there's something wrong. What's the problem? He's taking too much of time. He doesn't seem to open the door. I said open the door immediately! Break open the glass, right away! Oh no! Holy shit, he's gone! की भूमि है, यहां मुझे पकड़ने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। Stop running! Stop, I say! Stop! Hey, hey, yo! Hey, hold him! He's a thief! Catch him! Catch him! Stop, say! Catch him! Catch him! Galileo! Where's Galileo? I'm not a thief. Kill him with bomb. Kill him with bomb. I'm a police prisoner. Look what I have been doing. You can't catch me. He's a thief. Please. Come on. Please. 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 Please.
Please help me! Please help me! You Indian dog! Please help me! How dare you run away? How dare you? Come on! A swine! How lazy, huh? Come on! Come on! तात्या को नासिक जेल से कहीं और ले गए। कहाँ? सुना है यरवडा जेल ले गए। मैं ठीक से खबर लेकर फिर आऊंगा। आज मुझे मुंबई से आया हुआ एक पारसी मिला। उसने तुम्हें देने के लिए ये पैसे दिए हैं। लो। पेरिस से मैडम कामाने भेजे हैं। और हाँ, यह संदेश भी भेजा है कि एक बहुत बड़ा पारसी वकील तात्या की ओर से मुकदमा लड़ेगा। अब मैं जाता हूं। ये एक विशेष अदालत है। बंबई हाई कोर्ट में एक विशेष कानून के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित की गई। इसमें 3 जजों के अतिरिक्त कोई ज्यूरी नहीं है। इसमें किसी अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं है। विनायक दामोदर सावरकर पर इस अदालत में अभियोग लगाया गया कि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध ऐसे पेपर बांटे जिनमें शस्त्र बनाने की विधियां छपी हुई थीं। इस जुर्म के लिए उन्हें 25 वर्षों के लिए काला पानी की कड़ी सजा सुनाई गई। उनकी संपूर्ण संपत्ति की जब्ती के ऑर्डर भी दिए गए। इसी विशेष अदालत में एक दूसरे मुकदमे में यह अभियोग लगाया गया कि नासिक के कलेक्टर मिस्टर जैक्सन की हत्या के लिए विनायक दामोदर सावरकर ने अपने साथियों को भड़काया। इस अपराध में और 25 वर्षों की काला पानी की सजा दी गई। 2 मुकदमों में 50 वर्षों की 2 उम्र कैदें। आइए। पहचान लिया तो फिर इन कपड़ों से क्या शिकायत? जच रहे हैं ना मुझ पर? खुद ही तो इन्हें अंगीकार किया है और फिर कपड़ों से क्या होता है? मनुष्य तो वही रहता है ना। विवाह के बाद
बेटे बेटियों की संख्या बढ़ाना ही क्या संसार है? ऐसा संसार तो चिड़िया और कौवे भी बना लेते हैं। चार परिवारों को कष्ट में डालकर हजारों लाखों परिवारों का कल्याण हुआ तो क्या बुरा हुआ? भारत माता जब दास्ता की बेड़ियों से मुक्त होगी तो ये सारे कष्ट किसे याद रहेंगे? मुझे तो बस इस बात का दुख है, जब नन्ना प्रभाकर चला गया उस वक्त मैं तुम्हारे पास नहीं था। चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो चलो जल्दी चलो जल्दी। Leave him alone. After all, he's not a tiger. Are you? तो तुमने मार्से से भागने की कोशिश की? हाँ जी हाँ। तो क्या हुआ उसका? इतने बड़े साम्राज्य से कोई टक्कर ले सकता है क्या? खून बहाने से आजादी नहीं मिलेगी, समझे? निरुद्देश्य खून बहाने के हक में तो मैं भी नहीं हूं। यू आर अ बैरिस्टर, आई फॉरगॉट अबाउट दैट। यस, वेल लेट मी टेल यू समथिंग मिस्टर बैरिस्टर, अगर तुमने यहां से भागने की कोशिश की ना तो ये सारे लोग जानते हैं कि हर रोज न जाने कितने कीड़े मकोड़े मेरे इन जूतों के नीचे कुछ ले जाते हैं, समझे? मगर मैं मिर्जा हुजूर, हमारे बैरिस्टर साहब को 7 नंबर वाली बैरिक्स की 3rd फ्लोर की आखिरी कोठरी में बंद कर दो और होशियार रहना, आसपास के किसी भी कैदी की परछाई तक इस पर नहीं पड़ना चाहिए। 6 महीने तक तुम्हें बिल्कुल अकेला रहना होगा, बिल्कुल अकेला। डू यू अंडरस्टैंड? मिर्जा हुजूर, ले जाओ इसे, इसे ले जाओ। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ये कहीं बाबा राव तो नहीं? वंदे मातरम, वंदे मातरम। देख रहे हो अपने क्रांतिकारी भाइयों को? हम उनकी खातिर तवाज़ो बिल्कुल इस तरह से ही करते हैं, बिल्कुल इस तरह से। फिक्र मत करो, तुम्हारी खातिर तवाज़ो भी हम ऐसे ही करेंगे। और मारो इनको, और मारो, मारो सर। ये कुर्सी देख रहे? ये कुर्सी हमारे सर डेविड बेरी साहब की है, जिन्हें हम हुजूर कहकर बुलाते हैं, हुजूर। चलो। और उधर कोलू देख रहे हो? वहां पर तुम्हारे क्रांतिकारी भाई हैं, बैल की तरह। क्या बैल की तरह? देखो कैसे फड़फड़ा रहे हैं। चलो। आ,
तेज चलो तेज। आइए। वो सामने फांसी कोठरी है और वो काल कोठरी है तुम्हारी, दोनों आमने सामने। तुम डरोगे तो नहीं सावरकर? मेरा जीवन हमेशा मृत्यु के इतना पास रहा है कि दूरी अधिक लग रही है। वो ठीक सामने डेविड बेरी साहब का ऑफिस है, वहां से वो तुम्हें लगातार देख रहे हैं। देखो देखो। मैं क्यों देखूं? वो देखें, मुझे देखना उनकी ड्यूटी है। कपूर। हुजूर। दरवाजा खोलो। जी हुजूर। चलो, ये रही तुम्हारी काल कोठरी। 50 साल तक रहना है सावरकर, 50 साल तक, 50 years। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अब ये कौन खोलेगा तेरा बाप? उसू। My dear Mr. Barrister, good morning. It's so lovely to see you busy, eh? You know, Mr. Barrister, मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल कंसेशन किया है, हाँ? तुमको सिर्फ 1 pound छिलका उतारना होगा। थैंक यू मिस्टर बैरी, मैं अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर रहा हूं। देखो देखो मेरे हाथों के घाव, और इस काथे पर भी मेरे खून के धब्बे पड़ गए। ओहो मिस्टर सावरकर, दिस फॉर यू इज नथिंग। जो आदमी जहाज से समुद्र में छलांग मार सकता है, उसके लिए तो ये एक मामूली तकलीफ है। हाँ, तुम तो और बड़े बड़े इनाम के हकदार हो। Perhaps you are right, Mr. Barry. Hmm. मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं? My dear Mr. Barrister, जरा सोच समझ कर बोलो। मुझे मेरे बड़े भाई से मिलना है। What? Your big brother? Here? मेरे बड़े भाई पिछले कुछ महीनों से यहां पर हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मिर्ज़ा, there is another Savarkar here in my jail and I don't know about it, huh? तुमने बैरिस्टर साहब को यहां के कायदे कानून नहीं समझाए? My dear friend, मेरी जेल में एक कैदी दूसरे कैदी से मिल ही नहीं सकता है और तुम अपने बड़े भाई साहब से बात करना चाहते हो, huh? मिस्टर सावरकर,
तुम्हें 50 साल तक यहीं रहना है। अब ये भूल जाओ कि तुम्हारा कोई बिग ब्रदर है भी कि नहीं। और फिर 50 साल तक किसी को पता है कि कौन मरेगा और कौन जिएगा? और ये भी किसे पता कि 50 साल तक हिंदुस्तान में अंग्रेज रह भी पाते हैं या नहीं? क्या ये तुमने मेरे सामने कहने की हिम्मत की? यू आर अ वेरी डेंजरस मैन, यू आर अ वेरी वेरी डेंजरस मैन। मिर्जा हुजूर, आज के बाद बैरिस्टर साहब के लिए कोई कंसेशन नहीं। आज के बाद ये एक आम कैदी की तरह 2 पाउंड छिलका उतारेगा, समझा? यू आर नॉट अ बैरिस्टर, यू आर जस्ट अ कॉमन क्रिमिनल, यू ब्लडी इंडियन डॉग, यू ब्लडी इंडियन डॉग। मिर्जा चलो। अच्छा ड्रामा करते हो, बहुत अच्छा ड्रामा करते हो, लेकिन हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। मेरी तरफ देखो, ऊपर देखो मेरी तरफ। मिर्जा हुजूर, इस बाबा को समझाओ कि शाम तक इसको 30 पाउंड तेल निकालना ही पड़ेगा। हुजूर, मुझे मुझे सिर में भयंकर पीड़ा हो रही है। अच्छा, और जब शरीफ लोगों पर गोली चलाते हो उस वक्त इस सर में पीड़ा नहीं होती है क्या? मिर्जा हुजूर, ये जब तक आज का कोटा पूरा नहीं करता इसको खाना मत खिलाओ। मुझे मुझे पेचिश हो रही है, जुलाब हो रहा है मुझे। तुमने अगर इस फर्श को गंदा किया ना तो सबसे पहले मैं तुम्हारे इन बालों से इस फर्श को साफ करा दूंगा और फिर इस कोंडू से तुम्हें उल्टा लटका दूंगा, समझे? क्रांतिकारी हैं, हमारे साथ अपराधियों जैसा सुलूक क्यों? हम राजबंदी हैं, हमारे साथ जानवर जैसा सुलूक मत करो। खामोश, हमसे बगावत करते हो? एक एक को सीधा कर दूंगा, एक एक को। ए, इनको जबरदस्ती खाने पर बिठाओ। हुजूर, मुझको हर बार क्यों आना पड़ता है? क्या तुम इन बदमाशों को नहीं संभाल सकते हो क्या? अब ये बताओ, यहाँ ये दंगा फसाद क्यों हो रहा था? हुजूर, इन लोगों ने खाना खाने से इनकार कर दिया। हुजूर, ये लोग खाना नहीं खाते क्या? इन्हें भूख नहीं लगी है क्या? हम सबकी भूख मर गई है। खाना खाने से पहले हमें हाथ नहीं धोने दिए जाते, पीने के लिए पानी नहीं मिलता, खाने में कीड़े पड़े हुए हैं, देखो खुद ही देखो। मिर्जा मिर्जा मिर्जा, ही इज अ बैरिस्टर। लेकिन एक बात है, इन बदमाशों को इसके अलावा और कोई बैरिस्टर नहीं मिला क्या? हुजूर, मिस्टर बैरिस्टर, अगर ये सब सच भी है तो तुम्हें शिकायत करने का कोई हक नहीं है। क्यों हक नहीं है?
अपना ये बिल्ला जरा गौर से देखो, है गौर से देखो इस पर क्या लिखा हुआ है। डी डी फॉर डेंजरस, समझे? इसलिए लिखा हुआ है कि मैं अत्याचारियों से डरता नहीं हूं, सच बोलता हूं। और ये सच भी बोलना चाहता हूं कि यहां हिंदुओं और मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है, कुछ हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया है। That's news for me, Mr. Barrister. मिर्जा, हुजूर, इन तीनों को कोलुओं में लगा दो। हुजूर, मिस्टर बैरी, आपको इस 16 बरस के लड़के को कोलू में जोतने का कोई अधिकार नहीं है। मिस्टर बैरिस्टर, मुझे मेरा हक मत समझाओ। मिर्जा, हुजूर, मिस्टर बैरिस्टर को खड़ी बेड़ी में बांधो। पानी नानी मर रही है। वंदे मातरम, हमसे टक्कर लेता है क्या? नानी गोपाल हमसे टक्कर लेता है। माता की जय। आई बड़े बाबू, संभाल के, धीरे। बैठिए बड़े बाबू। अगर आपको इसी तरह 8-8 घंटे की सजा मिलती रही तो आपका यही हाल होगा। मेरी बात मानिए, आप इन गोरे साहब लोगों से माफी मांग लीजिए। सहानुभूति के लिए धन्यवाद। साहब, सब ठीक तो है? कैसे हो क्रांतिकारी? क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं। हाथ सामने करो सावरकर, हाथ सामने करो। इस पत्थर के साथ कोई लेटर जरूर था। किसका लेटर था वो? कोई लेटर नहीं था। यू आर अ ब्लडी लायर बैरिस्टर, अ ब्लडी लायर। तुम जब से मेरी जेल में आए हो तो बगावत फैल रही है। अब मैं तुम्हारा लिहाज नहीं करूंगा, तुम चाहे बैरिस्टर हो या कुछ भी हो। मिर्जा, हुजूर, इस डेंजरस कैदी को कोलू में लगा दो। हुजूर, ले जाओ मिर्जा। बैरिस्टर को उसके भाई से दूर रखो। हुजूर, दे आर बोथ डेविलिश स्कीमर्स। हुजूर, वन सावरकर इज बैड इनफ, इफ टू गेट टुगेदर इट विल बी हेल। आपको आज शाम तक 30 pounds तेल निकालना है, 30 pounds तेल। और अगर ये काम शाम तक पूरा नहीं हुआ तो आपको रात को भी काम करना पड़ेगा। सावरकर साहब, आप मुझे घूर घूर के क्या देख रहे हैं? रुको मत, वरना वक्त बर्बाद होगा। वैसे भी तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है। मसूद खान, हुजूर, इस देशभक्त का जरा खास ख्याल रखना। जी हुजूर। देशभक्त। बड़ा बुरा वक्त चल रहा है सावरकर तेरा। हुजूर,
ए खबरदार जो बात किया तो ए चलोगे 30 पाउंड इसका हो गया आगे बढ़ो आगे बढ़ो ए बाल्टी उठाओ चल चलो चल रखना जल्दी चलेंगे चल किसे ढूंढ रहे हैं आप अपने बड़े भाई को नानी गोपाल कोलू चला पाया या नहीं नहीं बहुत बुरी हालत है उसकी वो यहां तक भी नहीं पहुंच पाया उसका निकाला हुआ तेल वो जमादार लाया है ए चलो चलो आगे बढ़ो चलो जल्दी ए ए आगे बढ़ो जल्दी करो मैंने उस चिट्ठी में सब पढ़ लिया है जो तुमने पत्थर के साथ भेजी थी बड़े जुल्म हो रहे हैं हम पर हौसला रखो इंदुभूषण अलीपुर में तुमने इतनी बहादुरी दिखाई यहां तुम्हें क्या हो गया है तुम तो सच्चे देशभक्त हो लेकिन अब हमसे सहन नहीं होता सहन तो करना होगा इंदुभूषण तुम जानते हो आज इतने महीने हो गए मैं अपने बड़े भाई से नहीं मिल पाया ए चलो आगे बढ़ो चलो चलो आगे बढ़ो चलो जल्दी बढ़ो आगे बढ़ो मेरे ख्याल में उन्हें पता भी नहीं होगा कि मैं यहां पर हूं कौन बोल रहा है अरे कोड़ों की सजा मिलेगी अगर बोलता हुआ पकड़ा गया तो ये लोग हमें तोड़ना चाहते हैं लेकिन हम टूटेंगे नहीं मैंने चोरी से कमिश्नर को एप्लीकेशन भिजवा दी है मैं चाहता हूं तुम लोग थोड़ा इंतजार और करो सहन करो नानी गोपाल को संभालो चलो चलो आगे बढ़ो ए चलो आगे चलो आ इधर चलो ए चलो आगे बाबू ये तो एक पाव ज्यादा हो गया कोई बात नहीं क्या फर्क पड़ता है क्या बात कर रहे हो एक एक पाव करके 50 साल में कितना हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य को डुबोने के लिए काफी होगा तात्या तुम यहां तात्या हाँ चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो चलो 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 जल्दी चलो चलो आगे ऐसा तो नहीं सोचा था तात्या कि तुम भी यहां चलिए बड़े बाबू काम पर चलिए बस चल ही रहा हूं गजब हो गया बड़े बाबू आज तो गजब ही हो गया क्या हुआ इंदुभूषण ने फांसी लगा ली क्या हाँ मैं खुद देख कर आ रहा हूं तुम मुझे वहां ले जा सकते हो घोरा साहब नाराज होगा बड़े बाबू सिर्फ कोठरी के सामने से गुजरते हैं मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा ठीक है चलिए आइए मेरे साथ हाँ
इंदुभूषण ने ठीक किया। इस नरक से छूटने का यही एक उपाय है। मुझे भी आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ये तुम क्या सोचने लगे सावरकर? तुम भी अंग्रेजों की इच्छा पूर्ति करने लगे? वो तो चाहते ही हैं कि तुम टूट जाओ, समाप्त हो जाओ। तुम्हारी शपथ का क्या हुआ? तुम्हें तो अंतिम सांस तक लड़ना है। मैं लड़ूंगा, मैं हारूंगा नहीं। मुझे देश को स्वतंत्र कराना है। मैं कोल्हू चलाऊंगा, हां मैं कोल्हू चलाऊंगा। Oh my dear Mr. Barrister, how are you today? कुछ ज्यादा तकलीफ तो नहीं है ना? Oh, Mr. Barrister, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। आप नानी गोपाल को समझाते क्यों नहीं है कि वो सीधे रास्ते पे आए और ये 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 ये, ये भूख हड़ताल छोड़ दे, नहीं तो उसको पेंट लगा दी जाएगी। People are being tortured here inhumanly. What did you say? यहाँ कैदियों के साथ पशुओं सा व्यवहार हो रहा है। इंदुभूषण की मौत का जिम्मेदार कौन है? वो खुद अपनी मौत का जिम्मेदार था। सारी दुनिया जानती है कि उसने खुदकुशी कर ली। हाँ क्यों की? तुम भी उल्हासकर की तरह पागल हो गए हो क्या? हा? तुम तो यही चाहते हो कि सब लोग पागल हो जाएं। तुम अत्याचारी हो। मेरा भाई बीमार है, तुम उसे अस्पताल क्यों नहीं भेजते? अब उसे क्या हो गया है? अरे मैंने कहा ना वो बीमार है। किसने कहा कि वो बीमार है? डॉक्टर कहता है। डॉक्टर कौन होता है मिस्टर बैरिस्टर? मेरी जेल में वही बीमार होता है जिसे मैं बीमार कहूं। हाँ। अच्छा तो फिर तुम मुझसे नानी गोपाल की बात करने क्यों आए हो? मिस्टर बैरी, अगर तुमने उस 16 बरस के क्रांतिकारी को बेत लगाए तो हम सभी राजनीतिक कैदियों का खून खोल उठेगा, रक्तपात हो जाएगा और इस कांड की जिम्मेदारी सिर्फ आप पर होगी। कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना। मेरा मुंह क्या देख रहा तुम? कोल्हू चला ना, यही तेरा काम है मिस्टर बैरिस्टर। कोल्हू चला। बैरिस्टर को यही काम शोभा देता है, समझा? कोल्हू चला तू, जिंदगी भर कोल्हू चला। चला चला तू कोल्हू, उसको भाषण सुनाता है क्या? कोल्हू चला, जिंदगी भर तू कोल्हू चलाता रहेगा, समझा? समझा? चलो इस बैरिस्टर का सारा तेल निकालो। बड़े बाबू, आपको यहां नहीं आना चाहिए था। बड़े बाबू, इंदुभूषण ने आत्महत्या क्यों की? उसके संकल्प ने उसका साथ छोड़ दिया। संकल्प मनुष्य के जीवन को उद्देश्य देता है, उसका लक्ष्य निर्धारित करता है। लक्ष्य के सामने से हट जाने पर कष्टों को सहना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार मैं भी कोल्हू चलाते चलाते बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो मेरा संकल्प मेरा साथ छोड़ चुका था, मेरा लक्ष्य मेरी आंखों के सामने से ओझल हो चुका था। परंतु संभवतः मेरे भीतर संकल्प का कोई अंश अभी जीवित था। मैं कविता की पंक्तियां सोचने लगा, अंधेरा मेरे सामने से छटने लगा। मुझे ख्याल आया कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम यहां पहुंचे हैं उसकी मंजिल आत्महत्या नहीं है। लेकिन यहां इतने कष्ट हैं, इतने अत्याचार,
उन्हें सहते सहते शरीर ही साथ छोड़ देगा तो हम आजादी की मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं? कष्ट सहने का उद्देश्य क्या है? देश की स्वतंत्रता प्राप्ति। जब ये सोचकर अत्याचारों को सहा जाएगा तो शरीर त्यागने का ख्याल भी नहीं आएगा। ये सोचकर कष्ट सहो कि कष्ट सहना भी देशभक्ति है। मर ही गए तो देश को स्वतंत्र कराने का व्रत कैसे पूरा होगा? जिस सेना के तुम सैनिक हो उसका काम करते करते मरो, लड़ते लड़ते मरो, इन यंत्रणाओं और तकलीफों के विरुद्ध संघर्ष करो, फाइट बैक। लज्जाजनक अमानवीय स्थितियों में भी जीना मत छोड़ो, संघर्ष करो, अन्याय को अस्वीकार करो, प्रतिकार करो, जवाब दो, हड़ताल करो। हां, हड़ताल करो। अगर हम नानी गोपाल को बचाना चाहते हैं तो हड़ताल कर दो। ये सब क्या हो रहा है मिर्जा? हुजूर, क्या तुम लोग इनसे काम नहीं करा सकते हो क्या? जी जी, तुम लोग काम नहीं करना चाहते हो? हाँ, तुम काम नहीं करना चाहते हो? और तुम बोलो, तुम भी काम नहीं करना चाहते हो? ठीक है, काम मत करो, मैं तुम सबको ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी रूहें कांप उठेंगी। समझे? समझे? काम करो तुम। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इनसे काम कराओ। और तुम भी जी, इनसे काम कराओ। मैंने कहा काम कराओ इनसे। तुम लोग काम नहीं करना चाहते हो? मैं तुमसे काम कराऊंगा। जोक जोक नीचे, जोक यू ब्लैक डॉग। और तुम मेरा मुंह क्या देखते हो? तुम लोग मेरी जेल में तुम्हारे बाप भी काम करेंगे। कौन इससे नियर परिशो सावरकर, 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 ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। नहीं मिस्टर बैरी, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। इंदुभूषण ने तुम्हारे अत्याचारों से तंग आकर आत्महत्या की, और अब नानी गोपाल भी बचेगा नहीं। उसकी हालत देख रहे हैं आप। तुम्हारे सारे काम अनलॉफुल हैं और हम उसका कड़ा विरोध करेंगे। तुम्हारा कड़ा विरोध यहां कोई असर नहीं कर पाएगा। मैं सबको दीवारों से उल्टा लटका दूंगा और उस नानी को बी अवेयर मिस्टर बैरी, अगर हम पर और ज्यादती की गई तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। यहां सब मरने मारने पर उतर आए। और तुम ये मत भूलो कि सांप अपनी रक्षा के लिए कैसे वार करता है। मेरी जेल में एक ही सांप है, मैं। डू यू अंडरस्टैंड मिस्टर बैरिस्टर? अब तुम्हारी बकबक से कुछ नहीं होगा। I will break the back of each and every one of you. Each and every one of you, do you understand? काला पानी में एक जर्मन जहाज आया था, उसकी हमने धजे उड़ाई थी। अब बिल्कुल उसी तरह हम तुम्हारी एक एक हड्डी की धजियां उड़ा देंगे। Do you understand, Mr. Barrister? Do you understand? मिर्जा! हुजूर! I will break the back of each and every one of these black pigs. I will break the back of each and every one of these black pigs. तुम हमारे शरीर की हड्डियां तोड़ सकते हो, परंतु तुम्हारा साम्राज्य भी हमारा संकल्प नहीं तोड़ सकता। हमारा देश एक दिन अवश्य स्वतंत्र होगा, अवश्य स्वतंत्र होगा। मिस्टर बैरी, कमिश्नर साहब का फोन आया था। उन्हें यहां की सारी न्यूज मिल गई है। आप क्या कह रहे हैं सर? ही टोल्ड मी
यहां जो गड़बड़ हुई उसके बारे में लंदन में क्वेश्चन वॉज आस्क इन द पार्लियामेंट। ही ऑल्सो नोज उस लड़के ने एक महीने से कुछ नहीं खाया एंड उसकी सिंपथी में मिस्टर सावरकर इज ऑन हंगर स्ट्राइक और हंगर स्ट्राइक में भी ही हैज बीन गिवन क्रॉस बार पनिशमेंट। हमने समर्थ रामदास की दीक्षा ली और तुरंत अपना शीश हथेली पर लेकर रणक्षेत्र में आ गए। तलवार की धार तेज है और आयु कम है, इतनी कम कि अभी तक यौवन ने स्पर्श भी नहीं किया। बड़े बाबू जरा इधर आइए, आइए आराम से। बस एक मिनट, मैं जल्दी से आपकी बेड़ियां खोलता हूं। भाई श्याम सुंदर, आज मुझे बेड़ियों से इतनी जल्दी क्यों मुक्त किया जा रहा है? आज के बाद आपको ये क्रॉसबार वाली बेड़ी लगेगी ही नहीं। हाँ, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सच्ची कह रहा हूं। आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तुम बाहर जाओ। जी साहब। मिस्टर सावरकर, मेरी मेम साहब और मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी एडमायरर्स हैं। वो आपको बहुत चाहती हैं। हाँ, क्या है कि हमारे घर में लंदन के तरह तरह के अखबार आते हैं और उनमें उन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। हाँ, जब उनको पता चला कि आपने 7 दिन से कुछ खाया ही नहीं तो उन्होंने भी खाने से इनकार कर दिया। अब मैं आपकी बहुत इज्जत करने लगा हूं। हाँ, मिस्टर सावरकर, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। आप खाना खा लीजिए ना। जब तक नानी गोपाल नहीं खाएगा मैं भी नहीं खाऊंगा। और वैसे भी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आप अगर उसे खिलाएंगे तो वो जरूर खाएगा। मिस्टर बैरी, मैं उसे तब खिलाऊंगा जब आप हमारी सभी शर्तें मान लेंगे। क्यों नहीं, जरूर मानूंगा। सब लोगों को ठीक ढंग से खाना दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? हिंदुओं और मुसलमानों के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा। मिस्टर बैरी, धर्म परिवर्तन नहीं होगा। हरगिज नहीं होगा। आप इतना कैसे बदल गए मिस्टर बैरी? You're forgetting something very important, my friend. I'm not English, I'm Irish. तो क्या हुआ? मैं फिर भी आपकी किसी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। मैंने आपके इतने रूप देखे हैं मिस्टर बैरी कि मैं आपको अच्छी तरह समझता हूं। आई एम सॉरी, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा और उस लड़के को भी खाना नहीं खिलाऊंगा जब तक कि हमारी यह खबर कमिश्नर साहब तक नहीं पहुंचती। हुजूर, वो सपोलिया के बच्चे की हालत बहुत खराब है। क्या नाम उसका? नानी गोपाल। हुजूर, ओह माय गॉड। हुजूर, जल्दी कीजिए। हुजूर, मिस्टर सावरकर, अभी मौका है, आप ही उसे बचा सकते हैं। नानी, लो खाना खा लो, खा लो। से मिस्टर बैरिस्टर, आराम से। दैट्स राइट, आराम से बैठो मिस्टर बैरिस्टर। वेरी गुड बॉस।
नैनी गोपाल, नैनी गोपाल उठो, खाना खा लो। हाँ देखो कौन आया है, बड़े बाबू आए हैं तुम्हें खाना खिलाने। हाँ हाँ देखो देखो। हाँ तुम बहुत बहादुर हो नानी गोपाल, तुम जीत गए। उठो खाना खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। तुम्हारी सभी शर्तें मान ली गई हैं नानी गोपाल, उठो खाना खा लो। आपने भी तो कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैं भी खाऊंगा, तुम तो खाओ। पहले आप खाएंगे। मैं तुझे खिलाकर खाऊंगा नानी गोपाल। पहले से काफी फर्क है, बस कुछ दिनों के लिए आराम की जरूरत है। डॉक्टर दामोदर, मैं आपका हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। आपने सचमुच मेरे जैसे अनेक बंदियों की सेवा की है। इट्स माय ड्यूटी। मेरे ट्रांसफर के ऑर्डर्स आ गए हैं, कोई चिट्ठी भेजनी हो तो कल शाम तक दे देना। आपको कुछ दवाइयों की जरूरत है, मैं सुपरिंटेंडेंट साहब से कहकर आपके लिए मंगवा देता हूं, ठीक है? डॉक्टर। यस सर। मिस्टर सावरकर के लिए जो भी मेडिसिन चाहिए आप ले आइए। यस सर। नो नीड ऑफ माय परमिशन, ही शुड गेट क्योर्ड कंप्लीटली। श्योर। वेल मिस्टर सावरकर, मैं आपके लिए कुछ गुड न्यूज लेकर आया हूं। एक तो मैं जानता हूं मिस्टर बैरी अपने देश को पधारे। यस यू आर राइट मिस्टर सावरकर, ही वॉज एन अनजस्ट एंड क्रूएल पर्सन। गॉड ब्लेस हिम, ईश्वर ने उसे वैसा ही बनाया था। मेरे मन में उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। आई अप्रिशिएट योर ब्रॉडमाइंडेडनेस मिस्टर सावरकर। एक खबर यह भी है कि अंग्रेजों के आगे जर्मनी ने कंप्लीट सरेंडर किया। मुझे आपको प्रसन्न देखकर प्रसन्नता हुई। जर्मन आपकी स्वतंत्रता नहीं छीन पाए, अच्छा हुआ। परंतु ऐसे अवसर पर अंग्रेजों को यह भी तो सोचना चाहिए कि उन्होंने कितने देशों की स्वतंत्रता छीन रखी है। बट मिस्टर सावरकर, मैं तो इस बात के लिए खुश हूं कि अंडमान के बहुत से कैदियों को स्वतंत्र किया जा रहा है। It's a good news. Of course, it's a good news. But I'm sorry, Mr. Savarkar. आपको और आपके ब्रदर को छोड़े जाने के ऑर्डर्स अभी तक नहीं आए। वे कभी आएंगे भी नहीं। But there is definitely one good news for you, Mr. Savarkar. आपके फैमिली के लोग आपसे मिलने आ रहे हैं। Yes, वो लोग यहां पहुंच गए हैं।
तात्या, भाभी कहाँ है? भाभी कहाँ है? भाभी कहाँ है? बाबा, बड़ी भाभी अब नहीं रही बाबा। वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। हम सब लोग 12 वर्षों के बाद फिर एक साथ यहां मिले, परंतु ऐसा लगता है कि हम सबको एक सूत्र में बांधने वाली आत्मा ही हमसे बिछुड़ गई है। आप दोनों को देखने की आशा में ही जी रही थी वो, लेकिन जब हमें यहां आने की अनुमति मिली वो उसके पहले ही चल बसी। जीवन रूपी कहानी के पात्र इसी तरह एक एक करके बिछुड़ते हैं। बाबा राव का पुनर्जन्म में दृढ़ विश्वास है। भाभी की आत्मा इस समय भी निश्चित रूप से हमारे बीच में है, यहीं कहीं। आप यहां क्यों खड़े हैं? हवा लग जाएगी। आपका स्वास्थ्य वैसे भी ठीक नहीं रहता, डॉक्टर से चेकअप कराइए ना। नहीं तात्या, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि कष्ट सहने की अंतिम सीमा क्या है। वो तो भाभी के ना रहने से आपने देख ली, वो मानसिक कष्टों की सीमा थी। शारीरिक कष्टों की सीमा देखना अभी बाकी। इतनी यातनाएं सहने के बाद भी हमने संघर्ष नहीं छोड़ा। धर्म परिवर्तन का घृणित कार्य बंद करवा दिया है, सैकड़ों कैदियों को सुशिक्षित किया है, उन्हें जीने की प्रेरणा दी है। बाबा राव, मेरा ख्याल है कि जल्द ही ये गोरी सरकार हमें छोड़ने पर विवश हो जाएगी। जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ है उसके बाद इस गोरी सरकार का टिकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो फिर भी हमें रिहा नहीं करेंगे तात्या। वो जानते हैं कि उनके विरुद्ध हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं
उसे अंतिम सांस तक लड़ने की हमने शपथ ली है। छूट कर भी हम चुप नहीं बैठेंगे। आप सच कह रहे हैं बाबा राव, फिर भी देश में आंदोलन होने लगे हैं। हमारी रिहाई के लिए 75,000 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। तिलक जी, इन कारणों से छूटकर कहीं हमारी साधना तो हल्की नहीं पड़ेगी तात्या? ये आप क्या कह रहे हैं, सैकड़ों लोगों की इच्छा और सद्भावना के कारण तो हमारी मुक्ति और भी स्वीकरणीय होगी। वैसे भी यहां से जाने के बाद हमें देश और समाज की ही तो सेवा करनी है। कांग्रेचुलेशन मिस्टर सावरकर, आपको यहां से इंडिया ट्रांसफर किया जा रहा है। नाउ यू आर फ्री फ्रॉम कालापानी। आपका ब्रदर भी आपके साथ जाएगा। आई होप इंडिया वापस जाने के बाद यहां बिताए हुए 10-11 साल आपको याद भी नहीं रहेंगे। नहीं सुपरिंटेंडेंट साहब, यहां बिताए हुए हर पल ने मेरे संकल्प को और भी शक्ति दी है। इन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता सर। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर सावरकर। थैंक यू वेरी मच सर। दरवाजा खोलो। पहचाना मुझे? तुम्हारा नाम? मैं रामशरण, अंडमान जेल में था। अक्सर भोजन के समय मैं आपसे मिला करता था। आप ही ने तो मुझे लिखना सिखाया था। अरे हाँ, याद आया, तुम बहुत पहले छूट गए थे जी, और मैंने तुम्हें कुछ कविताएं दी थी। वो मैंने आपके छोटे भाई तक पहुंचा दी थी, और आपने जो मुझे लेख याद करवाया था वो भी मैंने उन्हें लिखवा दिया था। इस तीर्थ स्थान की यात्रा पर कैसे निकला है? ठीक कहा आपने, यह तीर्थ यात्रा ही तो है। गांधी जी के आह्वान पर हम असहयोग आंदोलन कर रहे हैं। इसमें सारे मुसलमान भाई भी हमारे साथ हैं, क्योंकि गांधी जी ने कहा है कि हमें खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का साथ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हिंदुओं और मुसलमानों में एकता हो जाए तो एक ही वर्ष के भीतर हमें स्वराज्य मिल जाएगा और आप जल्दी छूट जाएंगे।
ऐसा किसने कहा? गांधी जी ने। तुम्हें विश्वास है इस बात का? पक्का विश्वास है। पर अभी मैं देख रहा था, जब तुम लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे लगा रहे थे, तुम्हारे मुसलमान साथी चुप थे। आपको भ्रम हुआ है बड़े बाबू, ऐसी कोई बात नहीं है। हवलदार आ रहा है, अभी तुम जाओ, बाद में बातें करेंगे। ठीक है। आ जाओ। आ जाओ। नमस्कार बड़े बाबू, ये मेरे कुछ साथी हैं, मेरे साथ खिलाफत आंदोलन में हैं। ये अजमल है। आदाब। ये हुसैन है। आदाब। और ये शाबुद्दीन। आदाब। ये सावरकर हैं, विनायक सावरकर। वही सावरकर जिन्होंने जहाज के ऊपर से समुद्र में छलांग लगाई थी? हाँ हाँ। 11 बरस काला पानी में रहने के बाद अब ये यहाँ आए हैं। 11 बरस? हाँ। जनाब, आपको कितने बरसों की कैद हुई है? 50 वर्षों की, 2 उम्र कैदे हैं। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछिए। आप वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे क्यों नहीं लगा रहे थे? हम इस तहरीक में इसलिए शामिल हुए हैं कि अंग्रेज तुर्की पर अपना कब्जा ना जमाएं। उन्होंने तुर्की को युद्ध में जीता है, मगर वहां के बादशाह को हम अपना खलीफा मानते हैं। वो इस्लाम की नुमाइंदगी करता है, और अंग्रेजों को क्या हक है कि वहां की हुकूमत को बर्खास्त कर दे? इसीलिए दुनिया भर के मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। गांधी जी तो मुसलमान नहीं, वो फिर भी तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तभी तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। मगर गांधी जी तो अहिंसावादी हैं, वो तो हथियार उठाने के विरोधी हैं। क्या तुम भी हो? नहीं, हम मुसलमान हैं। अगर वक्त आया तो हम हथियार भी उठाएंगे। अगर तुम गांधी जी की शिक्षा ही नहीं मानते तो उनके साथ क्यों हो? हम गांधी जी के साथ नहीं हैं, गांधी जी हमारे साथ हैं। गांधी जी क्यों मुसलमानों को उकसा रहे हैं कि तुर्की का बादशाह ही तुम्हारा बादशाह है? क्या वो समझते हैं कि मुसलमान पहले मुसलमान है और बाद में हिंदुस्तानी? मैं अब समझ गया कि मोपला मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन के जोश में आकर हिंदुओं पर इतने अत्याचार क्यों किए? क्यों वहां हजारों हिंदुओं की हत्या कर दी गई? हजारों हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया, सैकड़ों औरतों का शील भंग किया गया, बच्चों को काट दिया गया, फिर भी ये हिंदू खिलाफत आंदोलन में उनका साथ क्यों दे रहे हैं? क्यों? किसने इन्हें गुमराह कर दिया? मैं इन्हें बताऊंगा कि वो क्यों गुमराह हो गए हैं। वो भूल गए हैं कि वो हिंदू हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि हिंदुत्व क्या है। क्या है हिंदुत्व? हिंदू हमारा नाम है और हिंदुस्तान हमारी मातृभूमि है। सभी हिंदू एक हैं, हमारा राष्ट्र एक है। एक राष्ट्र, एक जाति और एक संस्कृति के आधार पर ही हम हिंदुओं की एकता आधारित है। वे सभी व्यक्ति हिंदू हैं जो हिमालय से समुद्र तक इस समग्र देश को अपनी पितृभूमि के रूप में मान्यता देकर वंदना करते हैं, जिसकी धमनियों में उस महान जाति का रक्त प्रवाहित हो रहा है जिसका मूल सर्वप्रथम सप्त सिंधुओं में परिलक्षित होता रहा है और जो विश्व में हिंदू नाम से सुविख्यात है। हमारा कर्तव्य है कि हम देश में रहने वाले हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों में यह पवित्र भाव जागृत कर सके कि हम सब सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं और उसके बाद कुछ और। भारतीय राष्ट्र का सार्वभूत विवेचन जो इस काल कोठरी में किया गया, वो सिखों के बीच में से कैसे बाहर निकल गया और कैसे प्रकाशित होकर लोगों के पास पहुंचा, किसी को कुछ पता न चला। उधर अंग्रेज सरकार अपार जन समर्थन के दबाव से मजबूर होकर विनायक दामोदर सावरकर को रिहा करने पर विवश हो गई। बंबई राज्य के गवर्नर खुद जेल में उनके पास आए और उनके सामने दो शर्तें रखी। पहली ये कि उन्हें जिस नगर में रखा जाएगा वे वहां से बाहर नहीं जाएंगे। दूसरी शर्त
कि वे किसी प्रकार की राजनीति में भाग नहीं लेंगे। सावरकर जी द्वारा इन शर्तों को मान लेने पर उन्हें रत्नागिरी में स्थानबद्ध कर दिया गया। लोग उनके दर्शनार्थ आने लगे। उनमें प्रमुख थे डॉक्टर हेडगेवार। मैं पहले क्रांतिकारियों में भी था, फिर गांधी जी के रास्ते पर भी चला, परंतु खिलाफत के कारण वहां पर ज्यादा दिन तक टिक नहीं सका। आपकी पुस्तक ने तो वो सब कुछ कह डाला जो मेरे मन में था। आपने छद्म नाम भी खूब रखा, मराठा। मैं उसे छद्म नाम नहीं, अपनी वास्तविकता कहूंगा। डॉक्टर साहब, मैं आपकी गतिविधियों से भलीभांति परिचित हूं। आप वही कर रहे हैं जिसकी कल्पना मैंने भी की है। आने वाली पीढ़ियों को आने वाले समय के अनुसार तैयार करना बड़ा आवश्यक है। किंतु सरकार ने आपको राजनीति में भाग लेने से मना कर रखा है। मैं क्रांतिकारी हूं, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगा। जिस सरकार ने राजनीति में भाग न लेने की मुझ पर पाबंदी लगाई है, वो नहीं जानती कि राजनीति से ना तो समाज अलग है और ना धर्म। हिंदुत्व की कल्पना साकार होगी तो राजनीति में भी बदलाव आएगा। हिंदू धर्म में फैली हुई कुरीतियों को हमें दूर करना है। सबसे पहले छुआछूत और जाति भेद जैसी बुराइयों से हमें लड़ना है, और ये लड़ाई बहुत कठिन है। आज अगर पेशवाई होती तो इस सावरकर को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाता। हम उसे अपने इस पवित्र मंदिर को अपवित्र नहीं करने देंगे। हम अपने प्राण दे देंगे लेकिन धर्म पर आंच नहीं आने देंगे। अब भी अगर सावरकर ने अपना हट नहीं छोड़ा तो आज खून की नदियां बह जाएंगी। अगर आप इन लोगों को साथ लेकर मंदिर में दाखिल हुए तो दंगा होने का खतरा है, इसलिए मैं आपको आप मुझे इन लोगों से बात करने की अनुमति तो दे सकते हैं? केवल आप ही उनसे बात कर सकते हैं। अंदर जाइए। ठीक है, इन्हें रास्ता दो, इन्हें रास्ता दो, हटो। ये कैसी विडंबना है? अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो भूल कर रहे हैं कि मैं अपने साथ इन लोगों को इसलिए लाया हूं कि यहां इनका उद्धार होगा। नहीं, इन्हें छूने से इनका उद्धार नहीं होगा। उद्धार तो आप लोगों का होगा, इन्हें गले लगाकर आप अपने पापों से मुक्त होंगे। हमें अपना उद्धार नहीं करना है। हम उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे। हम में और इनमें अंतर है? कोई अंतर नहीं है, आप भ्रम में हैं। जातिगत ऊंच नीच में विश्वास करना छोड़िए। आप हिंदू हैं, केवल हिंदू। आपने क्यों अपने धर्म को केवल कपड़ों, जनेऊ, चोटी और गौमूत्र तक सीमित कर रखा है? ये हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व कागज पर लिखी हुई पोथी नहीं है जो कागज के फटने से चूर चूर हो जाएगी। हिंदुत्व महान जाति का जीवन दर्शन है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, अपने धर्म की महानता और गरिमा को कम मत कीजिए। हमें उपदेश मत दो, हमें आपकी कोई भी बात नहीं सुननी है। क्या इसलिए कि सच्ची बात कड़वी होती है? आप लोग कुत्ते को छूते हो, सांप को दूध पिलाते हो, चूहे का खून पीने वाली बिल्ली को अपने साथ बिठाकर खाना खाते हो, लेकिन अपने ही जैसे इन मनुष्यों को
जो तुम्हारे समान राम और कृष्ण के भक्त हैं, छूते भी नहीं। ये क्या हो गया है तुम्हें? जागो, सोचो, समझो। चार वर्णों की व्यवस्था ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। इसे त्याग दो, इस विष का नाश कर दो। सभी युगों में एक आचार धर्म टिक नहीं सकता, इसे समय अनुसार बनाओ। अपने ही जैसे 7 करोड़ भाई बंधु, जिन्हें तुम निम्न वर्ग का कहते हो, अगर दूसरे धर्म में चले गए तो हिंदू धर्म के लिए 7 करोड़ शत्रुओं का ही निर्माण होगा। इस लज्जाजनक स्थिति को बदल दो, अपनी भूल सुधार लो, नहीं तो समय आएगा कि तुम क्षमा के पात्र भी नहीं रह जाओगे। यह विट्ठल का मंदिर है। विट्ठल मंदिर में ही नहीं, सबके दिलों में भी है। जब वे दिलों में हैं, तो उनके चरणों में जाने का अधिकार इन्हें क्यों नहीं? क्या ये हिंदू नहीं? क्या इनकी रगों में आप जैसा लहू नहीं? आप तो उस महान धर्म के अनुयायी हैं जो मानता है कि सब में एक आत्मा है। आपने अपनी दृष्टि, अपनी सोच इतनी संकीर्ण कैसे बना ली? आपकी भक्ति, आपके ज्ञान और आपके कर्म का क्षेत्र इतना छोटा कैसे हो गया? विट्ठल की दया ममता तो असीम है, अनंत है। वे तो सबके हैं, वे सबको बुला रहे हैं। अपने इन बंधुओं का रास्ता रोककर विट्ठल की सर्वप्रियता का अपमान मत करो। इन्हें भी उनके चरणों में आने दो, ये भी उनकी दया ममता के पात्र हैं, जैसे तुम हो। आने दो। सब लोग मिलकर आगे बढ़ो। चलो आओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मिलकर आगे बढ़ो। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं। आगे बढ़ो, हाँ, आगे बढ़ो। बोला पुंडलिक के बंदे। हाँ। विट्ठल मंदिर में सभी जातियों के लोगों का प्रवेश एक अभूतपूर्व घटना थी, परंतु पतित पावन मंदिर में प्रत्येक व्यक्ति भगवान के चरण स्पर्श भी कर सकता है, इसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पतित पावन मंदिर में शंकराचार्य जी के गले में एक मैला ढोने वाले ने फूल माला भी पहनाई, और यह सब कुछ सेठ भागोजी कीर के कारण हुआ। यह आप क्या कह रहे हैं? यहां रत्नागिरी में जो कुछ हो रहा है आपकी ही प्रेरणा से हो रहा है। सेठ जी सच कह रहे हैं, आपने जाति भेद का विचार किए बिना बच्चों को शिक्षा दी, सहभोज आयोजित किए, आपने तात्या राव लोगों की मानसिकता ही बदल दी। क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना तात्या? पसीना आ रहा है, थोड़ा ताप भी है। अपना ध्यान रखो, अभी तुम्हें बहुत काम करने हैं। तुमने सुना गांधी जी रत्नागिरी आ रहे हैं? यहां आ रहे हैं? हां, नासिक में कोई पुणे से आया था, उसने बताया। ये सच भी हो सकता है? तुम मिलोगे उनसे? ये तो गांधी जी पर निर्भर करता है, यदि वो मिलना चाहे तो। समय हो गया है, गांधी जी कभी विलंब से नहीं आते। बाबा राव, तुम इन लोगों को यहीं रोक कर रखना, कहीं गांधी जी को असुविधा ना हो। महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! विनायक सावरकर की जय! कैसे हैं आप? आइए। सावरकर की जय! आइए। महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की। ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता, नमस्कार। शिंदे जी संग्रह कार्यकर्ता है, सेठ भागोजी कीर छुआछूत निवारण के लिए काम कर रहे हैं। आइए। जय! विनायक सावरकर की जय! विनायक सावरकर की।
मेरी धर्मपत्नी। सावरकर से अधिक तो आपका बलिदान है। आइए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। महात्मा गांधी की जय। विनायक सावरकर की जय। विनायक सावरकर की जय। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। विनायक सावरकर की बैठिए। विनायक सावरकर की जय। आपका स्वागत करके मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं खुद चलकर आपको लेने आता परंतु अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ सका। इतने वर्षों बाद आपसे भेंट करके मुझे भी अच्छा लग रहा है। लंदन में मिले थे, वो दशहरे का दिन था। हाँ, तब वहाँ इंडिया हाउस में भी आपके स्वागत का सुअवसर प्राप्त हुआ था। बहुत समय बीत गया। आपने रत्नागिरी में हरिजन उद्धार का जो काम किया वो बहुत प्रशंसनीय है। हरिजन? हाँ, मेरे विचार से शुद्ध शब्द का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, उसकी जगह हरिजन कहना ठीक है। हरिजन तो हम सभी हैं। आप जिन्हें हरिजन कह रहे हैं वे शोषित हैं, पीड़ित हैं। मेरे विचार में जिस जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम ने उन्हें इस दशा में लाया है उसे समाप्त कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा करने से तो उलझने बढ़ेंगी। कास्ट सिस्टम में मेरा पूरा विश्वास है, वो हिंदू धर्म से अलग नहीं है। चार वर्णों में विभाजित ये व्यवस्था हिंदू धर्म का आधार है, वो नेचुरल है और जरूरी भी। छुआछूत इसके कारण पैदा नहीं हुई, वो तो हिंदू धर्म के माथे का कलंक है, उसका अंग नहीं। अगर वो हिंदू धर्म का अंग नहीं तो कलंक कैसे बन गई? छुआछूत को समाप्त करने का एक ही रास्ता है, कास्ट सिस्टम को मिटा दिया जाए। कास्ट सिस्टम में महान शक्ति छिपी हुई है, इसके कारण हिंदू धर्म बिखरने से बच गया है। बच नहीं गया है महात्मा जी, कास्ट सिस्टम के कारण हमारा धर्म, हमारा समाज समाप्त होने के निकट पहुंच गया है। जिन्हें आप निम्न जाति का कहते हैं उन लोगों को अपने महान धर्म से अलग होने से बचाना है, और जो अलग हो चुके हैं उन्हें वापस लाना है। मैं भी धर्म परिवर्तन के विरुद्ध हूं, परंतु सदियों पहले जो दूसरा धर्म अपना चुके हैं उन्हें वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें वापस आना भी नहीं चाहिए। सोच समझ कर, भले बुरे का विचार करके अगर कोई व्यक्ति हिंदुत्व को अपनाना चाहे तो उसे वापस अपने मूल धर्म में आने की स्वतंत्रता क्यों ना दी जाए? हमारे धर्म के लोग कुछ ऐसी परिस्थितियों में घिर गए हैं कि दूसरे धर्मों के अनुयायी उन्हें अपने बराबर आने का लालच देकर धर्म परिवर्तन पर मजबूर कर देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं जिन प्रथाओं ने हमारे बीच ऊंच नीच का भाव लाया है अब उनका कोई उपयोग नहीं है, मैंने उनके पुतले जला दिए हैं। इस प्रकार तो हिंसा बढ़ेगी। यह हिंसा नहीं, संघर्ष है। संघर्ष और क्रांति से नई उपयोगी व्यवस्था का जन्म होगा। आप भी तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्या उसकी कोई सार्थकता नहीं? मेरा आग्रह इस बात पर है कि आजादी उचित और नैतिक साधनों से प्राप्त हो, लोग अहिंसा के मार्ग पर चलें। इतने विशाल देश को स्वाधीन कराना है, शत्रु भयंकर साधन संपन्न है, उसका सामना बिना हथियारों के कैसे संभव है? शत्रु के पास इतने ज्यादा हथियार हैं कि हम अपने थोड़े से हथियार लेकर उनके साथ बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ सकते, और फिर केवल इसी कारण मैं अहिंसा के मार्ग पर नहीं चल रहा। मेरा विश्वास है कि अहिंसा पूर्वक बर्ताव करने से हिंसक मनुष्य का हृदय परिवर्तन होगा। यदि एक गाल पर तमाचा खाने के बाद हम दूसरा गाल पेश करेंगे तो हमें दूसरे तमाचे के स्थान पर स्नेह मिलेगा। आपकी बात मनुष्यों के संबंध में सच हो सकती है, परंतु राक्षसों और पशुओं से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। जिन हत्यारों ने जलियांवाला बाग में सैकड़ों निर्दोष निरपराध लोगों को गोलियों से भून डाला उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जा सकता। श्री कृष्ण को अंत में
कंस और शिशुपाल का वध करना ही पड़ा। देश की रक्षा के लिए सेनाएं तो चाहिए, संपूर्ण अहिंसा का लक्ष्य असंभव है। महान लक्ष्य चाहे कितनी दूर हो, उसे सामने रख करके ही हम उसके निकट कहीं पहुंच सकते हैं। हमें उसकी ओर चलना है, उसी ओर चलना है। मुझे लगता है हम कई बातों में एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, परंतु सावरकर, मुझे इतना अधिकार तो है कि अहिंसा का प्रयोग करूं। अपने निजी प्रयोग के तराजू में पूरे राष्ट्र को रखने से पहले राष्ट्र के हित और अहित की बात जरूर सोच लेनी चाहिए। मुझे आशा है हम फिर मिलेंगे और बातें करेंगे। कई दिनों से देख रही हूं, बड़े बेचैन हैं आप। जब से भगत सिंह को फांसी हुई है, मेरे लिए आराम से बैठना बहुत कठिन हो गया है। कुछ भी तो नहीं कर सका मैं। उस दिन चव्हाण मिलने के लिए आया था, उसकी भी चिंता है। इस नगर में सरकार ने आपको बंदी बनाकर रखा हुआ है, मगर बंदी होते हुए भी आप संसार की चिंता। क्या करूं, मुझे विधाता ने कुछ ऐसी ही मिट्टी से बनाया है। अच्छा तुम एक काम करो, मेरे लिए कप चाय लेकर आओ, मैं तब तक भगत सिंह की कविता लिख लेता हूं। इसे नासिक और पुणे भेजना है, वहां इसका गाया जाना बहुत जरूरी है। क्षमा कीजिएगा तात्याराव। हाँ हाँ, आइए। मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। जो करना है कीजिए, हमारे लिए तो यह हर दिन की बात हो गई है, और आपके लिए भी। मुझे खेद है मैं आप लोगों की असुविधा का कारण बन रहा हूं। ऐसी कोई बात नहीं, परंतु क्या मैं जान सकता हूं कि आज की तलाशी किस बात के लिए है? तात्याराव, आप जो भी करते हैं उसकी खबर दिल्ली तक जाती है, कभी कभी लंदन तक भी जाती है। आप ठीक कहते हैं। आज सवेरे प्रभात फेरी में युवक मंडली ने भगत सिंह के संबंध में जो गीत गाया है, उसके बारे में सबका यही कहना है कि वो आपने लिखा है। मैं उसका ही प्रमाण ढूंढने आया हूं। आप अपना काम शुरू कीजिए। क्या मैं इन लोगों को अंदर जाने के लिए कह सकता हूं? अवश्य। तुम लोग अंदर जाकर तलाशी लो। उस कविता के अतिरिक्त भी तो कुछ होगा जिसकी आपको तलाश है। तात्याराव, आज से कुछ रोज पहले वामन चौहान नाम का लड़का आपसे आकर मिला था, क्या वो आया था? मैं इस नाम के किसी लड़के को नहीं जानता। उसने बंबई के एक सार्जेंट पर गोली चलाई है, वो पकड़ लिया गया है। उसने आपका नाम नहीं बताया, परंतु आज से कुछ रोज पहले वो रत्नागिरी में था। अच्छा, मैं उस तरफ देखता हूं। कुछ मिला? जी नहीं। माझी
की जन्मा ठे। चलो बहुत हो गया, आओ मेरे साथ, तुम भी आओ। तात्या राव, आपकी कविता तो नहीं मिली। हाँ, आपकी पुस्तक की प्रतियां लेकर जा रहा हूं, माझी जन्म ठेप, क्योंकि इन पे पाबंदी लग चुकी है। अवश्य ले जाइए, वैसे भी लोगों के पास इसकी काफी प्रतियां हैं। ये पैम्फलेट्स भी साथ लेकर जा रहा हूं, इनकी रसीद बनाकर देता हूं आपको। एक कागज तो दीजिए। तात्या राव, सुना है आप बाल गंधर्व का नाटक देखने जा रहे हैं। मैंने शर्त रखी है, उन्हें उनके साथ बैठकर खाना खाना होगा, जिन्हें अछूत कहा जाता है। वो मान गए? मानेंगे तो नाटक देखने जाऊंगा। अच्छा चलता हूं, नमस्कार। नमस्कार। ठहरिए। सबसे ज्यादा शक्तिशाली और भयंकर हथियार पर तो आपकी निगाह ही नहीं पड़ी। ये पेन बंदूकों, तोपों और बमों से ज्यादा काम करता है। तात्या राव, अभी तक इस हथियार की जब्ती का कोई कानून नहीं बना। यही मेरा सौभाग्य है। चलता हूं। देखो तात्या राव को लेके जा रहे हैं। हाँ, चलो, 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 चलो देखते हैं। अरे सावरकर जी फिर पकड़े गए। अरे भैया ये संभाल, मैं अभी आया। ये पुलिस सावरकर जी को लेकर कहां जा रही है? अरे हाँ चलो देखें। हाँ साहब, साहब नगर के सब लोग इसी तरफ आ रहे हैं, बहुत भीड़ है, उनमें विनायक सावरकर जी भी हैं। आप सब भी तात्या राव के साथ आ गए, बहुत अच्छा हुआ। मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। 27 साल की कैद के बाद सरकार ने सावरकर जी की रिहाई का आदेश भेजा है। तात्या राव जी की जय! तात्या राव जी की जय! अब ये कहीं भी जा सकते हैं और राजनीति में भी भाग ले सकते हैं। तात्या राव जी की जय! तात्या राव जी की जय! तात्या राव जी की जय! आज 10 मई 1937 का दिन है। आज ही के दिन 10 मई 1857 में स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध आरंभ हुआ था। आज से मेरा एक नया युद्ध आरंभ होगा। अब इस लहर को कोई नहीं रोक सकता। भारत के युवकों आगे बढ़ो, हथियार उठाओ और भारत माँ के पांव में पड़ी हुई बेड़ियों को काट दो। अब हमें यह सोचकर नहीं लड़ना कि अपने प्राण देने हैं, अब हमें जीवित रहने के लिए लड़ना है। हमें शहीद नहीं विजेता बनना है। सारे विश्व पर युद्ध के बादल छा गए हैं, हमें स्वयं अपनी सुरक्षा के उपाय करने होंगे। भारत के विद्यालयों और महाविद्यालयों में सैनिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए और युवकों को आधुनिक अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। अन्याय एवं हिंसा का विरोध नहीं करना ही हिंसा है। ये मत भूलिए कि शत्रु को मारने का विचार ही जब हमने मार दिया तो हमारे देश की हत्या हो गई। और मैं कहता हूं भला हम में सामर्थ्य क्यों नहीं, हम में ऐसी क्या कमी है? एक देश, एक भाषा, एक लिपि, एक इतिहास, एक अतीत, एक भविष्य, एक संस्कृति, एक पितृभूमि, एक पुण्य भूमि, इतने आत्म संबंधों से जुड़े हुए 30 करोड़ लोगों का यह देश
महान राष्ट्रों में महानतम है। तात्याराव, श्री सुभाष चंद्र बोस आपसे मिलने आए हैं। उन्हें अंदर ले आओ। जी अच्छा। और सुनो। जी। एक बात का ध्यान रखना। जी। हमारे बीच जो कुछ भी बातें हों, उन्हें कोई ना सुने, तुम भी नहीं। जी। नमस्कार। आइए। नमस्कार। 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 आप कैसे हैं? अच्छा हूं। आइए। आइए बैठिए। मुझे आपका आना अच्छा लगा। मैं अभी मिस्टर जिन्ना से मिलकर आ रहा हूं। विश्व युद्ध हमारे सामने है, तो अंग्रेजों पर दबाव डालने के लिए मैंने फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की है। लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता का सवाल बीच में आता है, इसी संबंध में मैं मिस्टर जिन्ना से मिलने गया था। पहले आप बताइए क्या लेंगे। मैं अभी मिस्टर जिन्ना के साथ चाय पीकर आ रहा हूं। आपको आश्चर्य होगा, मिस्टर जिन्ना ने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा है। अच्छा। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं किसकी तरफ से उन्हें मिलने आया हूं। मैंने कहा कांग्रेस की तरफ से। वो बोले कांग्रेस के अध्यक्ष पद से तो आप इस्तीफा दे चुके हैं। ठीक कहा उन्होंने। तो मैंने कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से तो मैं बात कर ही सकता हूं। वो बोले कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक के बीच मुझे कोई अंतर नजर नहीं आता, मैं मुसलमानों का लीडर हूं और कोई हिंदू होने के नाते ही मुझसे बात कर सकता है। उनके विचार में हिंदुओं के लीडर आप ही हैं। उन्होंने मुझे परामर्श दिया कि मैं आपसे मिलूं। मुझे मिस्टर जिन्ना का आभार मानना होगा कि आपसे मिलने का सुअवसर दिया। आप स्वभाव से क्रांतिकारी हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कलकत्ता में आप हॉलवेल का पुतला उखाड़ने वाले हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता के दिल में अंग्रेजों के विरुद्ध गुस्सा जगाए रखना जरूरी है। इस आंदोलन के बहाने सरकार आपको जेल में डाल सकती है, और इस समय आपका जेल में रहना देश हित में नहीं है। ठहरिए जरा। राज बिहारी बोस का पत्र है, जापान से। विचित्र बात है, वो आपको पत्र लिखते हैं। उनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगी? पहले विश्व युद्ध में भी अंग्रेजों के शत्रुओं ने हमारी मदद की थी, मगर हमें सफलता नहीं मिली। इस बार, हाँ इस बार, यदि हम चाहें तो सफल हो सकते हैं। और अब आपको पता चला होगा कि मैं हिंदू युवकों से सेना में भर्ती होने के लिए क्यों कहता हूं। यही क्रांति का रास्ता है। हमारे जिन युवकों को जर्मनी और इटली द्वारा बंदी बना लिया गया है, वो फिर से मातृभूमि के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ेंगे। जिन अंग्रेजों ने 100 बरस पहले हमसे हमारे शस्त्र छीन लिए थे, आज वही अंग्रेज हमें शस्त्र देने के लिए तैयार है। इसीलिए मैं इतने वर्षों से हिंदू युवकों से कहता आ रहा हूं, सेना में जाइए, बंदूकें उठाइए। हाथ में बंदूकें होंगी तो वो ये भी सोच लेंगे कि अवसर आने पर बंदूक की नोक किस दिशा में मोड़नी है। आपने चिट्ठी में पढ़ लिया है कि जापान भी युद्ध में कूदने के लिए तैयार है। राज बिहारी बोस विधिवत रूप से सेना का संगठन करना चाहते हैं। इतिहास करवट ले रहा है सुभाष बाबू, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। ब्रिटेन युद्ध में कूद चुका है, अगर एक हिंदी सेना
उनके सामने खड़ी कर दी जाए तो वे स्वयं ही हिंदुस्तानियों को स्वतंत्रता देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब हमें एक नए चक्रव्यूह का सामना करना है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के साथ ही सारे देश में दंगे फसाद शुरू कर दिए हैं। वे लोग अंग्रेजों और कांग्रेस वालों को डराना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान की मांग मान ली जाए, परंतु हम उनसे नहीं डरते। हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। ऐ मुस्लिम देशवासियों, भारत तुम्हारी जन्मभूमि है। इस देश की संस्कृति तुम्हारी संस्कृति है, तुम्हारे बाप दादा की संस्कृति है। इसके टुकड़े मत करो। अगर तुम हमारे साथ हो तो तुम्हारे साथ मिलकर, अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो तुम्हारे बगैर, और अगर तुम हमारा विरोध करते हो तो हम तुम्हारे विरोध को कुचलकर अपने देश को स्वतंत्र कराएंगे। यही समय है आप अल्पसंख्यकों को प्रसन्न करने की नीति का विरोध करें, उन्हें ब्लैंक चेक देने का विरोध करें, देश के विनाशकारी विभाजन का विरोध करें। नमस्कार। तुम आ गए तात्या। आप लेटे रहिए, लेटे रहिए। तुम्हें देखने की इच्छा थी तात्या, अब सुख से जाऊंगा। बाबा राव, मुझे पता चला है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके राष्ट्रीय सैनिकों ने अंडमान जाकर वहां सेलुलर जेल को सैल्यूट किया, क्योंकि वहां आप जैसे महान कर्मयोगी देशभक्त बंदी थे। ये सुनकर आपको अच्छा लगा ना? मैंने ये भी सुना तात्या कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो पर कहा कि भारत के समस्त नेताओं में केवल वीर सावरकर ही दूरदृष्टा है, जिन्होंने भारत के युवकों को सेना में जाने के लिए कहा। हाँ। क्या बात है तात्या, तुम उदास दिख रहे हो। आपकी चिंता है मुझे। जीवन में पहली बार तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो तात्या। मेरे कारण तुम उदास हो सकते हो, मगर तुम्हारी आंखों में जो सपना हमेशा चमकता रहता था वो आज बुझ क्यों रहा है? बाबा राव, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है देश दो हिस्सों में बंटकर रहेगा, विभाजन होगा। क्या तुम भी इसे रोक नहीं पाओगे तात्या? हजारों लाखों लोगों ने खंड खंड भूमि की स्वतंत्रता के लिए तो बलिदान नहीं दिए। अगर मैं दूर की बात देख सकता हूं तो यह षड्यंत्र अपना काम कर चुका है। मगर सभी कांग्रेस वाले उनकी बात क्यों मानेंगे? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कोई गवर्नर जनरल बनेगा, कोई प्रधानमंत्री, अनेक मंत्री, देश के टुकड़े होंगे, परंतु उनका स्वार्थ तो सिद्ध होगा। यह देश किसी की निजी संपत्ति नहीं है कि वो आपस में बांट लें। उन्हें रोको तात्या, उन्हें रोको। नहीं, अब ये मेरे वश की बात नहीं है। मुझे बहुत भयानक चित्र दिखाई दे रहे हैं, बहुत भयानक।
विभाजित होकर भी ये देश अनेक अर्थों में एक जीव, एक राष्ट्र, एक छत्र बन गया है। केवल सिंधु नदी ही इससे अलग हुई है। जब तक एक भी हिंदू जीवित है, हम उसे नहीं भूलेंगे। इस दुनिया में यदि हमें हिंदू राष्ट्र के नाते स्वाभिमान से जीवन जीना है, तो उसका हमें पूरा अधिकार है, और वो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र के नाम से स्थापित होगा। इस पीढ़ी में नहीं तो अगली पीढ़ी में मेरी ये महत्वाकांक्षा अवश्य सत्य सिद्ध होगी। यदि वो गलत साबित हुई तो मैं पागल कहलाऊंगा, और सत्य सिद्ध हुई तो लोग मुझे दृष्टा कहेंगे। मैं अपना ये उत्तराधिकार तुम्हें सौंप रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज का बिंदास बोल आपके सामने हम लेकर आए उस आशंका को जिसको हमने आपके पास पिछले 18 वर्षों में कई बार व्यक्त किया, आज वह प्रत्यक्ष रूप से सामने आई है, जहां आतताइयों का महिमा मंडन। और वो ऐसे वैसे आतताई नहीं, विश्व में जिसको सबसे खूंखार कहा गया, जिसके भाई की हत्या का पाप जिसके माथे पर है, जिसके बाप को जेल में डालने का जिसके माथे पर लिखा है, जिसने अपने बेटे को नजरकैद करने का भी जिसके पापों के अंदर घड़े में भरा गया है, वो दरिंदा कमीना महा अत्याचारी औरंगजेब का महिमा मंडन चल रहा है। और केवल महिमा मंडन नहीं हो रहा है, ज्ञानवापी केस अर्थात हमारी काशी विश्वनाथ मंदिर की केस के दरमियान अब वहां पर मुस्लिम पक्षकारों ने यह कहा है कि जो तर्क दिया जा रहा है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था, तो औरंगजेब ने तो कभी मंदिर तोड़ा ही नहीं था। अब यह कहा जा रहा है कि औरंगजेब तो महात्मा था, शांति दूत था,
अगर छोटी मोटी कुछ घटनाएं उसने की भी होंगी तो वो उसने अपने राजकाज के लिए की है। तो फिर आखिर उसने पाप किए, वो कहा गए उसके पापों को अब भुला दिया गया है और उसके सारे पापों को भुलाकर उसका महिमा मंडन जारी है। उसके इस महिमा मंडन पर अगर अभी ब्रेक नहीं लगा तो अगले कुछ दिनों बाद आपको औरंगजेब के विरुद्ध बोलने पर गिरफ्तारी होगी। ऐसा जब मैं कहता था तो लोग हंसते थे, लेकिन आज मैं दूसरी घटना बताने वाला हूं जिसमें महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले के सिल्लोड में औरंगजेब को केवल औरंगया कहा, इसलिए एक हिंदू युवक को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की मांग हो रही है। औरंगाबाद, औरंगजेब का एक तरफ काशी विश्वनाथ केस में मुस्लिम पक्षकारों द्वारा महिमा मंडन करना, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उसको औरंगया कहा और धर्मवीर संभाजी महाराज ने उसके सर पर पैर रखा हुआ एक मेमे, एक कार्टून केवल पब्लिश किया, पोस्ट किया, शेयर किया, इसलिए एक हिंदू को गिरफ्तार किया गया है। यह बहुत बड़ी घटना है और इसलिए आज का बिंदास बोल आपके सामने हम लेकर आ रहे। क्या इतिहास हिंदुस्तान का करवट ले रहा है? समय बदल रहा है? क्या अब आपको इन खलनायकों को नायक के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा? कुछ दिनों बाद इसको बाप बनाना पड़ेगा, कुछ दिनों बाद इसके सामने नतमस्तक होना पड़ेगा, अन्यथा आप अपराधी घोषित किए जाओगे। बदलते हिंदू मुस्लिम जनसंख्या अनुपात के बाद आने वाले इस स्थिति को हमने कई वर्षों से आगाह किया, आपने सुना नहीं, उपाय किया नहीं। अब आपको औरंगजेब की आरती उतारने के लिए तैयार होना पड़ेगा। नियति आपसे ये करवा रही है क्योंकि आपने समय पर इसका प्रतिबंध नहीं किया। आज मैं आपके सामने औरंगजेब के उन सारे कारनामों को सबूतों के साथ एक विदेशी औरंगजेब के जीवन पर काम करने वाले इतिहास और रिसर्च करने वाले व्यक्ति ने लिखे हुए पुस्तक के आधार पर मैं आज आपको बताऊंगा कि ये कितना दरिंदा था, अतताई था, पापी था, धर्मांध था। मैं ये कह रहा हूं तो मेरे विरुद्ध एफआईआर की मांग होती है कि औरंगजेब को गाली दी। अरे औरंगजेब को गाली नहीं, जूते मारने चाहिए। हर हिंदुस्तानी जूते मारेगा तो उसको उसके पापों की भी पाई जानकारी होगी और यही ऐसे इतिहास में सजा देने की व्यवस्था है और कोई नहीं है। लेकिन यह भी अगले कुछ दिनों तक ही चलेगा, उसके बाद हो सकता है कि कोई सरकार मुझे टीवी चैनल से औरंगजेब के विरुद्ध बोलने के लिए भी कोई नई कार्रवाई करे, क्योंकि अब औरंगजेब के विरुद्ध बोलना अपराध हुआ है। काशी विश्वनाथ केस के निमित्त आज के ये बिंदास बोल में विस्तार से मुद्दा देखिए। देश में टीपू सुल्तान के बाद अब क्रूर आतताई औरंगजेब को मसीहा बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। देश में एक ऐसा वर्ग है जो इसे अंजाम देने के लिए सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ हवा देने का काम कर रहा है। अपनी देश विरोधी गतिविधियों और हिंदुओं को टारगेट करने वाली तिश्ता सीतलवाड़ ने अपने एनजीओ सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस के जरिए महाराष्ट्र के अहमदनगर के पुलिस अधीक्षक को एफआईआर दर्ज करने के लिए एक शिकायत भेजी है। ये शिकायत श्री सुरेश चव्हाण के जी के द्वारा महाराष्ट्र के श्रीरामपुर में दिए गए भाषण के संबंध में है। राष्ट्रीय श्रीराम संघ द्वारा आयोजित एक हिंदू हुंकार धर्म सभा कार्यक्रम में दिए गए भाषण को तीस्ता ने मुस्लिम विरोधी नफरत भरा भाषण बताया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब किसी मुस्लिम को आपत्ति नहीं है तो फिर तीस्ता खुद क्यों इसमें अपनी टांग अड़ा रही हैं? क्या तीस्ता सीतलवाड़ किसी जिहादी संगठन के इशारे पर काम कर रही हैं या फिर खुद के एनजीओ को चमकाने का ये महज एक पब्लिसिटी स्टंट है? तीस्ता का कहना है कि सुरेश चव्हाण के जी ने अल्पसंख्यक समुदाय, उसके इतिहास और उनकी संस्कृति के खिलाफ गलत सूचना, उत्तेजक और आपत्तिजनक दावे करके सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए एक मराठा राजा संभाजी महाराज जी की जयंती का इस्तेमाल किया था। मगर यहाँ तीस्ता सीतलवाड़ को ज्ञात होना चाहिए कि औरंगजेब ने ना तो कोई महान कार्य किया था और ना ही वो हिंदुस्तान का कोई मसीहा था। उसके क्रूर आतताई करतूतों से पूरा देश भली भांति वाकिफ है।
वहीं ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कराने वाले आवेदन पर वाराणसी की जिला अदालत में मुस्लिम पक्ष ने भी औरंगजेब का कार्ड खेला। मुस्लिम पक्ष ने एक आपत्ति दाखिल करते हुए कहा कि मुगल बादशाह औरंगजेब ना तो क्रूर थे और ना ही उन्होंने वाराणसी में भगवान आदि विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ा था, जबकि क्रूर औरंगजेब के आतंक के अनेकों उदाहरण और प्रमाण आज भी मौजूद हैं, जिसे आज हम इस पूरे कार्यक्रम के दौरान एक एक करके दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बोल लेते हैं कि दरिंदे औरंगजेब को धर्मात्मा, धर्मांधा औरंगजेब को धर्मात्मा बनाने का षड्यंत्र हो रहा है। अभी आपके नायकों के बदलने का समय आया है। अब आपके बलात्कारियों को ही आपको बाप मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके आपने उसका समय पर विरोध नहीं किया। तो क्या कहना है लोगों का? 96% लोग हमारी बात से सहमत है कि हाँ, ऐसा हो रहा है। और ऐसा हो रहा है तो आप क्या कह रहे हो? मैं सुदर्शन के सक्रिय सज्जन दर्शकों को कह रहा हूं कि कम से कम ये बात लोगों को पहुंचाइए, कहिए, साझा करिए, बताइए, क्योंकि आप ही कर सकते हैं। कोई MTV का या कोई और धर्मांध चैनल का कोई दर्शक तो ये कर नहीं सकता। ये कर्तव्य आपको सुदर्शन के दर्शकों को ही पार पाड़ना है, और इसलिए आपको ये 96% का अनुपात भी और बढ़ाना है। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं, आपको मैं बताऊंगा कि औरंगजेब को धर्मांध को धर्मात्मा, एक पापी को पुण्यवान और सज्जन कहने का